ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। स्वयं महादेव कहते हैं, स्वयं शिव कहते हैं, हमारे वृंदावन में कहते हैं कि यहां पर आकर के कुछ मत करो, एक कमरा ले लो कहीं आश्रम में और वहां आश्रम में जाकर के बिस्तर पर जाकर के सो जाओ, सुबह खाओ फिर सो जाओ, दोपहर में खाओ फिर सो जाओ, रात्रि में खाओ फिर सो जाओ, इतना करना मात्र भी अन्य स्थानों से ज्यादा भजन का प्रभाव दे देगा, केवल सोना वृंदावन। क्यों? शास्त्रों में वर्णन करते हैं, बड़े बड़े महामुनि कहते हैं, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में भजन कोई माला पे फेरे, कोई स्मरण में करे, कोई अन्य अन्य आदि स्थानों, कोई अन्य अन्य प्रयासों से करे, वो भजन नहीं। वृंदावन में श्वास लेता है ना व्यक्ति, वो श्वास लेना भी काउंट होता उसके भजन में। आपने एक बार श्वास ली बाहर छोड़ी तो यह भी आपकी दो मालाओं के समान है, ऐसी है श्रीधाम वृंदावन की महिमा। और उस वृंदावन की महिमा तब करोड़ गुना हो गई जब वहां पर नंद भवन में स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। नंद जी के यहां उनका आत्मज उत्पन्न हुआ है। बंधुओं, जो घर में बालक संतान उत्पन्न होती है, ऐसा कहते हैं या तो वो पिता की आत्मा उसके रूप में जन्म लेती है, पिता नहीं तो उसके बाबा की आत्मा उसके रूप में आती है, या फिर उसके परदादा की आत्मा उसके रूप में आती है, आता कोई वंश परंपरा का ही है। और आज जब यहां कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए हैं, तो कई लोग प्रश्न करते हैं, बोले साक्षात भगवान है वो, और यहां वेदव्यास जी कह रहे हैं कि नंद बाबा की आत्मा उत्पन्न हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो परमात्मा है। भाई, साधारण बालक भी जो हमारे घर जन्म लेते हैं ना, जब तक उनको ये नहीं पता मेरे पिता कौन है, मां कौन है, मेरे भाई बंधु कौन है, मेरा परिवार कौन है, किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष, किससे प्रेम, तब तक वो बालक भी हरि स्वरूप ही है। मदालसा एक बालक को गोद में लेकर के कहती है, शुद्धोष मुक्तोष निरंजनोषी संसार मायाम परिवर्जितोषी संसार मायाम परित्यज निद्राम मदालसा वाक्य उवाच वालम। मदालसा कहती है, छोटा सा बालक जो होता है वो शुद्ध है, मुक्त है, किसी के बंधन में नहीं है। संसार मायाम परिवर्जितोषी, बालक, उस बालक को यदि कोई माला पहना दे तो उसको खुशी नहीं होगी, उस बालक को कोई गाली दे दे तो उसको कष्ट नहीं होगा। धीरे धीरे ये विकार कब उत्पन्न होते हैं, हम लोग उसमें ये विकार डालते हैं। पहला विकार कहां से आता, ये मां है, ये पिता है, ये चाची है, ये चाचा है, ये ताऊ जी है, ये ताई जी है, ये बहन है, ये भैया है। और फिर धीरे धीरे ये विकार कौन सा रूप ले लेता है, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये बुआ हैं, फूफा हैं, फिर उसके बाद हम सिखाना शुरू कर देते हैं, वो सामने वाली आंटी अच्छी नहीं है उसके पास नहीं जाना, ये वाले अंकल ये ऐसे गंदे हैं इनके पास नहीं जाना, अच्छे बुरे का भान हम कराते हैं उस बच्चे को, उसको नहीं पता होता, वो सबको समान मानता है, सबके प्रति उसका समभाव होता है। छोटा बच्चा कुछ खा रहा हो ना, आप हाथ आगे कर देना तो वो क्या करेगा, तुरंत दे देगा आपको, वो ये विचार नहीं करेगा मुझे नहीं देना चाहिए। लेकिन जब उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं तब उसके आगे हाथ करो, कोने में ले जाएगा, नहीं देना। क्यों? माता पिता ने सिखा दिया कि अपनी वस्तु किसी को नहीं देनी है, ये विकार युक्त हम बनाते हैं उसको, वो नहीं होता है। और जब तक वो विकार युक्त नहीं है तब तक वो साक्षात हरि स्वरूप है। वास्तव में ये हम सबके आत्मज जो उत्पन्न हो रहे हैं, हम सबके बालक जो हैं, ये हरि ही तो हैं, हमारी आत्मा का मूल रूप तो हरि है ना।
ये बालक नहीं है, साक्षात हरि ही प्रकट होते हैं हर घर में। इसलिए जब भी कभी किसी घर में कोई बालक उत्पन्न हो ना, तो इस व्यासपीठ से प्रार्थना करूं तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनता है ना, वैसे उसका उत्सव मनाया करो। इस भाव से नहीं कि हमारा बेटा हुआ, हमारा नाती हुआ, इस भाव से कि हमारे घर हरि पधारे हैं, हमारे घर साक्षात किशोरी जी आई हैं। ब्राह्मणों से जय घोष करवाओ, ब्राह्मणों को बुलाकर के मंत्र उच्चारण करवाओ, घर पर बंधन बार बांधो, गौ पूजन करो, संत ब्राह्मणों की सेवा करो। बालकों का जन्म हो तो वो बालक परम शुद्ध होगा। यहां पर वर्णन है, वाचयित्वा स्वस्तैनम्। लाला के जन्म हैवे की खबर सुनते ही नंद बाबा पहले लाला के पास नहीं गए, गौशाला से सीधे गए ब्राह्मणों के पास, और ब्राह्मणों की टोली लेकर के नंद भवन के बाहर खड़े होकर के सबसे प्रार्थना की है कि अब मंत्रोच्चारण कीजिए, वेद उच्चारण कीजिए, जय घोष कीजिए। स्वस्ति वाचन कर रहे हैं ब्राह्मण। स्वस्ति वाचन के बाद तब लाला का मुख देखा है नंद बाबा ने जाके। कृष्ण जन्मोत्सव की जो कथा है ना बंधु, ये कथा सब लोग सामान्य रूप से सब सुनते हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गाते हैं, टॉफियां लूटते हैं, चॉकलेट आदि लूट ले जाते हैं। लेकिन ये वास्तव में हमें सिखाता है, आप एक बालक को जन्म नहीं दे रहे हो, आप इस देश के, इस राष्ट्र के, इस पूरी पृथ्वी के भविष्य को जन्म दे रहे हो। उसका स्वागत कैसे करना चाहिए, वो जब घर आवे तो पहली बार उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मेरी माने तो यहां पर पूर्ण रूप से यही वर्णन है कि घर में जब बालक उत्पन्न हो ना, तो जैसे ऐसा उत्सव मनाना चाहिए कि मानो साक्षात हरि पधारे हैं। गुब्बारे नहीं लगाने हैं, केक वेक नहीं काटने हैं, पार्टियां नहीं करनी है, बाहर के रेस्टोरेंट का भोजन और ये हलवाइयों के द्वारा बना हुआ भोजन आदि ये सब नहीं करवाना है। घर में विशेष उत्सव करना है कि साक्षात हरि की चलती फिरती मूर्ति पधारी है। ब्राह्मणों को बुलाओ, संतों को बुलाओ, अपने हाथों से दिव्य पकवान बनाओ, जय घोष करो, मंगल वाद्य बजवाओ, सहनाइयां बजवाओ, डुमडुमियां बजवाओ, बधाइयां बांटो। मतलब ऐसा लगे कि इनके घर में कोई वैदिक उत्सव हो रहा है। नंद जी के घर लाला भयो है। हमारे पूज्य नाना जी, जिनकी कृपा से मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, वैसे तो व्यासपीठ परंपरा से पूज्य पिताजी से प्राप्त है, लेकिन हमारे पिताजी इतने व्यस्त रहते थे हमेशा कि उनके पास बैठने का मुझे अवसर बहुत कम मिलता था, और अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। अब तो वो भी व्यस्त, मैं भी व्यस्त। तो ये जो संस्कार थोड़े बहुत व्यासपीठ पर बैठने के प्रति जागृत हुए ना, ये मेरे नाना जी की कृपा। वे भी भागवत के वक्ता थे, और जो सेवा ठाकुर जी की प्राप्त है वो भी नाना जी की कृपा। तो हमारे नाना जी बहुत सुंदर सुंदर गूढ़तम और कुछ रहस्यमयी बातें बताते थे हर प्रसंग की। वे कहते थे, लाला एक बात सोचवे की है कृष्ण जन्म में। मैंने कहा, क्या? वे कहते कि देखो, ठाकुर जी ने जन्म लिया है देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कृपा करने और अपना सर्व सुख देने किसके यहां पहुंच गए? नंद बाबा और यशोदा के यहां। ऐसा क्यों? देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्मों से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि आप हमको पुत्र रूप में प्राप्त हो जाओ, आप हमको पुत्र रूप में मिल जाओ। परंतु उनके यहां पुत्र बनकर के आए, तो फिर पुत्र का सुख उन्होंने नंद यशोदा को क्यों दिया? तब नाना जी एक कथा सुनाते थे, बोले कि लाला, ब्रह्मा जी के यहां दो सेवक थे, दंपति सेवक, उनका नाम था प्रश्नी और सुतपा। वो ब्रह्मा जी की बड़ी सेवा करते थे, ब्रह्मलोक में रहते थे।
तो ब्रह्मा जी की इतनी सेवा की, ब्रह्मा जी एक दिन उनसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनसे पूछे कि भैया तुम दोनों की सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कुछ मांगो, तुम दोनों को मैं कुछ देना चाहता हूं। तो प्रश्नी और सुतपा दोनों भाव भर गए, नेत्रों में अश्रु आ गए, दोनों ने ब्रह्मा जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान आप केवल हम पर इतनी कृपा कर दो कि जो परम परमात्मा श्रीमन नारायण हैं, वे अगली बार जब अवतार धारण करें ना तो उनकी निज सेवा हमको प्राप्त हो। देखो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, देवकी और वसुदेव ने अपने पूर्व जन्म में भगवान से तपस्या करके मांगा कि आप हमको पुत्र रूप में प्राप्त होना, लेकिन प्रश्नी और सुतपा ने मांगा कि हे नाथ कृपा करके श्रीमन नारायण की निज सेवा हमको मिले। पुत्र रूप में मांगना और सेवा मांगना दोनों में अंतर है। तो जब प्रश्नी सुतपा ने मांगा कि हमको ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी मनी मन मुस्कुरा करके बोले कि बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो कैसे पूर्ण होगी? बोले ठाकुर जी जन्म तो लेंगे देवकी वसुदेव के यहां, क्योंकि उन्होंने पुत्र रूप में मांगा है, लेकिन निज सेवा उसका सौभाग्य तुमको प्रदान करेंगे, तुम्हारे यहां आएंगे। और प्रश्नी और सुतपा ही नंद बाबा और यशोदा के रूप में आए। ये तो रही ठाकुर जी की जन्म की कथा। अब यहां पे एक बात और सुनो, श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? क्योंकि श्री राधा रानी कोई और नहीं है, श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। प्राण एक ही है दोनों के। तो श्री किशोरी जी के जन्म की कथा में भाव आता है कि जब भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए, एक दिन मैं कथा में बता रहा था कि भगवान नारायण जब मोहिनी बनकर के प्रकट हुए तो इतने सुंदर बन के आए, इतने सुंदर बन के आए कि क्या बताएं, महाराज सब मोहित हो गए। लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी समुद्र मंथन से तो देवता उसके पीछे भी मोहित हुए, लेकिन कुछ बड़े बड़े देवता वहां मोहित नहीं हुए। कौन कौन बड़े देवता? ब्रह्मा नहीं मोहित हुए, शिव नहीं मोहित हुए, आदि आदि और भी कई बड़े बड़े देवता मोहित नहीं हुए लक्ष्मी पर। परंतु जब भगवान मोहिनी बनकर के आए, शंकर जी भी नहीं रुक पाए, ये भी पीछे पीछे होली है उनके। उस दिन मैं बता रहा था ना कथा में, मोहिनी धीरे से बोल जाए, अरे भोलेनाथ मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तो नारायण हूं। लेकिन शंकर जी फिर भी नहीं बोले, नहीं तुम तो मोहिनी हो, तुम तो हमारी हमारी हो, हमको तुम बड़ी प्रिय हो। तो मोहिनी पर शिव भी मोहित हो गए, परंतु मोहिनी पर एक देवता मोहित नहीं हुआ, केवल एक। और वो देवता कौन है? वो देवता है सूर्य। सूर्य मोहित नहीं हुए मोहिनी के रूप पर। भगवान ने सूर्य की ओर देखा और सूर्य की ओर देख करके जब उनके मन के भाव को जानना चाहा तो सूर्य के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ कि इतनी सुंदर स्वरूप में नारायण मोहिनी बनकर के आए हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करें। सब तो मांग रहे थे कि ऐसी पत्नी हमें मिल जाए, लेकिन सूर्य मांग रहे थे हे नारायण ऐसी कृपा करना, इतनी सुंदर बेटी मुझे मिल जाए, इतनी सुंदर पुत्री मुझे प्राप्त हो जिसका मैं कन्यादान करूं। लोग गौरव समझते हैं कि हमारी सुंदर पत्नी हो, लेकिन मैं गौरव करूं कि मेरी सुंदर बेटी है। जब सूर्य का यह भाव मोहिनी ने ठाकुर जी के स्वरूप ने जब देखा, भगवान ने किसी की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन सूर्य को कह दिया, बोले हम तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हुए हैं सूर्य, हम तुमको वरदान देते हैं, जब हमारा कृष्णावतार होगा ना तब यही नारायण स्वरूप, यही मोहिनी स्वरूप तुम्हारे यहां पुत्री बनकर के आएगा। और सुंदरता की पराकाष्ठा यदि जानना चाहो तो सुनो, ये मोहिनी रूप ऐसा रूप है जिस पर सारे देवता मोहित हो गए, लेकिन तुम्हारे यहां जो मैं पुत्री का रूप धारण करूंगा वो ऐसा रूप होगा जिस पर मोहिनी भी मोहित हो जाएगी।
ऐसा रूप धारण करके। भगवान श्रीमन नारायण की जो शक्ति है, जो आत्मा है, वो श्री राधा रानी, और जो देह है, जो प्राण है, जो बुद्धि है, वो श्री कृष्ण है। दोनों में अंतर नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही है। इसीलिए विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह के लिए दो अलग अलग लोग चाहिए। इसलिए नारायण का विवाह केवल लक्ष्मी से होता है, नारायण का नारायण से विवाह नहीं होता। राधा और कृष्ण दोनों नारायण के ही स्वरूप हैं। तो भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है। महाराज ऐसा उत्सव मन रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनसे चला नहीं जाता बिना किसी सहारे के, वो भी जब सुनती हैं कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है, 90-90, 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, बिना दांत वाली माताएं भी खूब नाच रही हैं, ठुमका लगा लगा करके आनंद कर रही हैं, और सब कह रही हैं भैया ऐसे लाला रोज ही होए करें, ऐसे लाला तो रोज होयो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा है, सब जा जा करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। हमारे नाना जी एक बात और सुनाते थे, वे कहते थे, बोले लाला ये जो ठाकुर जी जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन कृपा करने आए नंद यशोदा के यहां, इसके पीछे एक कथा और है। मैंने कहा क्या है नाना जी? तो नाना जी सुनाते, बोले कि भैया जब नंद बाबा यशोदा के कोई बालक नहीं भयो, तो नंद बाबा यशोदा अपने कुल पुरोहित के पास गए। उनके कुल पुरोहित कौन? सांडिल्य मुनि। और सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि भैया हमारे घर कोई लाला नहीं है, आप कृपा करके कोई यज्ञ अनुष्ठान ऐसा करवाओ कि एक संतान होवे। बंधु कल भी मैंने कहा था और आज पुनः कहूं, संतान की कामना होनी चाहिए, लेकिन किस भाव से होनी चाहिए महादेव वो देखते हैं। तुम संतान चाहते किस लिए हो? अधिकतर लोगों का भाव क्या रहता है, हम संतान इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो व्यापार है, हमारा जो व्यवहार है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक बालक होना चाहिए। और कई घरों में ऐसी मान्यता होती है, बोले कि भाई पुत्र या पुत्री ना हो तो पुम नामक नरक से नहीं तर पाते। एक नरक का नाम है पुम, उससे कब तरते हैं? जब घर में पुत्र हो या पुत्री हो। वैसे पुत्र की विशेषता ज्यादा बताते हैं, क्योंकि उसके हाथ से जब संस्कार होता है तभी पुम नामक नरक से तरते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में यह भाव आता है, बुरा मत मानिएगा, ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो तुमको वहां के नरक से तो बचा दे लेकिन जीते जी तुम्हारे घर को नरक बना दे, ऐसे पुत्र का क्या फायदा। और अधिकतर जो बहुत याचनाएं करके पुत्र मांगते हैं ना भगवान से, उनके पुत्र ऐसे ही होते हैं। अधिकतर, सब नहीं होते लेकिन अधिकतर ऐसे ही होते हैं। इसलिए भैया प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो नहीं देवे उसको अस्वीकार करो, जबरदस्ती मत करो प्रकृति से, नहीं तो जो मांगा है वो ही कष्टदायी हो जाएगा। तो फिर एक बात बदलो ना, हम मांगने से तो पीछे हटेंगे नहीं। आप लोगों के मन में भाव आ रहा होगा, महाराज जी अभी तुम्हारा ब्याह भयो ना है, जब है जाएगा तब तो आपको भी इच्छा होगी कि पुत्र हो जाए। ठीक है, संतान की कामना की इच्छा हो, लेकिन उसके पीछे एक कारण ठाकुर जी को वैलिड दिखाओ कि तुमको क्यों चाहिए। आप विदेश जाएंगे तो विदेश जाते ही आपसे पूछा जाएगा आप क्यों आए हो घूमने। अगर आपका कारण उनको उचित लगा तो वो एंट्री देंगे, नहीं तो कई लोगों को वहीं से डिपोर्ट कर देते हैं, वापस जाओ अपने देश। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से आपने पुत्र मांगा, लेकिन उसके प्रति आपकी कामना क्या है, पुत्र क्यों चाहिए। तो हमारा एक बात मान लीजिए, इसी भाव से पुत्र की कामना करना, तब देखना महादेव किसको भेजते हैं। और पुत्र की कामना का भाव होना चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। हे नाथ, हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री चाहिए,
किस भाव से चाहिए? बोले विष्णु आराधना के लिए, आपकी आराधना के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, ब्राह्मण और संत जनों की सेवा के लिए हमको पुत्र चाहिए। ये भक्ति भाव आगे बना रहे, ये शास्त्र मर्यादाएं आगे चलती रहे, गौ सेवा हमारे घर में अनवरत होती रहे, इसलिए हमको पुत्र दो। फिर देखना, आपका रीजन जब सुन लेंगे ना ठाकुर जी, तो फिर पुत्र ऐसा देंगे। और नाना जी तो हमारे कहते थे, बोले गौ ब्राह्मण संत सेवा की कामना से जब पुत्र मांगते हैं तो भगवान कहते हैं गौ ब्राह्मण संत सेवा भैया कोई और नहीं कर सकता, वो तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मैं ही तेरा पुत्र बन के आ जाऊंगा। तो गौ ब्राह्मण संत सेवा की भावना से पुत्र की कामना करोगे ना, तो लाल जी का ही अंश आएगा, कोई ठाकुर जी का ही अंश आएगा पुत्र के रूप में। तो नाना जी कथा सुनाते थे कि नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों सांडिल्य मुनि के पास गए और जाके कहा कि आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, हमारे घर में एक बालक हो जाए। किस कामना से? बोले विष्णु आराधनार्थाय, गौ ब्राह्मण संत की सेवा के लिए हमको बालक चाहिए। और बालक शब्द नहीं, सेवक चाहिए, गौ ब्राह्मण संतों का सेवक चाहिए। सांडिल्य मुनि बोले ठीक है, तो फिर आप चले जाओ, बढ़िया तिथि देख करके मैं अपने पंडितों को भेज दूंगा, वो आपके यहां 21 दिन का यज्ञ करेंगे और उस 21 दिन के यज्ञ से आपके घर देखना एक सुंदर बालक आएगा। नंद बाबा बोले जैसी आपकी आज्ञा। नंद बाबा ने अपने बहुत सारे ब्राह्मण भेज दिए और उन सबका आचार्य बना करके अपने भांजे को भेज दिया सांडिल्य मुनि ने। नंद बाबा ने यमुना किनारे बढ़िया तंबू लगा करके, ऐसे ही गंगा के किनारे जैसे आपने लगाया बढ़िया तंबू लगा करके, वहीं बढ़िया हलवाई वृंदावन मथुरा के बढ़िया बढ़िया हलवाइयों को बुला करके और उनकी सब भोजन प्रसादी की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था और उनके यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था सब नंद बाबा ने की। ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए। पहला, खूब बढ़िया स्वागत सम्मान। ब्राह्मण को दूसरी वस्तु क्या चाहिए? बढ़िया चकाचक भोजन, सुबह भी कराओ, दोपहर में भी कराओ, रात्रि में भी कराओ, यजमान भले ही व्रत में रहो लेकिन ब्राह्मण को खिलाओ। तो पहला सम्मान, सुख सम्मान, दूसरा बढ़िया भोजन और तीसरी बढ़िया दक्षिणा, ये 3 चीज चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण का एक स्वभाव बताऊं आपको, आप किसी कर्मचारी को बुलाओगे किसी काम के लिए घर में, तो वो अपनी जितनी उसने मजदूरी की ना उतना लेके जाएगा आपसे। आपने यदि कम दे दिया तो वो कह देगा महाराज जी कम है, थोड़ा इसमें बढ़ा के दो। लेकिन ब्राह्मण से आप पूरे दिन अनुष्ठान करवाओ, पूरे दिन यज्ञ करवाओ, ये पूजा वो पूजा करवाओ, घर का गृह प्रवेश करवाओ, उनके घर भेज दो और लिफाफे में बंद करके जो दे दो, ब्राह्मण कभी कहेगा नहीं कि आपने कम दिया है, ले जाए। इसलिए यजमान को चाहिए अपनी तरफ से ही पहले से इतना दे कि ब्राह्मण हृदय से आशीष देवे। देखो दक्षिणा क्यों देनी चाहिए ब्राह्मण को? कई लोग महाराज हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, कथा वाचकों पे कोई काम नहीं है, धंधा बना लिया है कथा को, बैठे बैठे यहीं से व्यापार करते रहते हैं। हाँ करते हैं, हम व्यापार कर रहे हैं व्यासपीठ से, लेकिन कम से कम इस व्यापार से हजारों लाखों लोगों के जीवन तो बदल रहे हैं, उनके घर तो बदल रहे हैं, उनके मुख से हरिनाम तो बुलवा रहे हैं। क्यों लेते हैं दक्षिणा ब्राह्मण? आपके लिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण। मंत्र कौन जपेगा? ब्राह्मण। एक आसन से बैठा कौन रहेगा? ब्राह्मण। धोती कौन पहनेगा? ब्राह्मण। सुबह सुबह भोर में जल्दी उठ करके कौन आएगा? ब्राह्मण। सारी मेहनत करे ब्राह्मण और शनि चला जाए आपकी राशि से। शनि कब जाएगा? जब ब्राह्मण को उसकी मेहनत का आप दक्षिणा दे दोगे तब शनि जाएगा। सारी मेहनत सारा परिश्रम करे ब्राह्मण तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे?
इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी चाहिए, लेकिन मेरा भाव ये नहीं है कि आप बहुत सारी दक्षिणा दो, जो दो लेकिन दो भाव से, दो प्रेम से। हमारी अनेकों कथाएं होती हैं, लेकिन कई जगह तो हम कथा करते हैं क्योंकि कथा कराने वाले का भाव कथा करवाता है, और कई जगह लगता है कि अब बस 7 दिन है या चले यहां से, क्यों उसका भाव ही नहीं है। तो ब्राह्मण को ये 3 चीज प्रिय हैं, अति सम्मान, बढ़िया भोजन और दक्षिणा। नंद बाबा ने खूब बढ़िया व्यवस्था की, ब्राह्मण जैसे ही आए तो ब्राह्मणों ने आकर के महाराज वहां पर अपना सब बोरिया बिस्तर रख दिया। बाबा ने कही आपके लिए व्यवस्था है, सामने कलकल निनाद करती यमुना जी, ये सुंदर पंडाल है, यहाँ बैठ के आप यज्ञ हवन करो, बढ़िया मैंने पीछे टेंट के रूम बनवा दिए उसमें आप लोग आराम करो, यहाँ हलवाई लगे, बढ़िया प्रसाद पाओ, आप अनुष्ठान शुरू करो। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, वाह भैया नंद बाबा बड़ी बढ़िया व्यवस्था करी आपने, ठीक है बाबा कल से अनुष्ठान शुरू। सुबह उठते ही महाराज ब्राह्मण सारे यमुना जी में स्नान करके, बढ़िया स्नान करके, तिलक आदि जैसी लगा करके सब संध्या वंदन करके सब निवृत्त हुए। रसोई घर जो बनी थी उसमें से हलवाई ने आवाज लगाई, बोले सभी ब्राह्मण देवताओं आ जाओ, नाश्ता तैयार है, सबका बाल भोग तैयार है। ब्राह्मण देवता बोले हाँ भाई बाल भोग कर लो, बाल भोग करने के बाद फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। अब बाल भोग, जलेबी, कचौड़ी, बेड़ई, आलू की सब्जी, छाछ, मठा, और ये ले महाराज, वो तो पूरा भोजन था, बाल भोग तो था नहीं। नाना जी सुनाते थे हमारे बड़े प्रेम से, बोले सारे ब्राह्मण देवता कचौड़ी खा रहे हैं, बेड़ई खा रहे हैं, हमारे मथुरा वृंदावन की बेड़ई और आलू की सब्जी बड़ी प्रसिद्ध है, आलू की सब्जी उसमें काली मिर्च कान में से धुआं निकाल देती है, लेकिन फिर भी गर्मा गर्म लोग आंख से आंसू निकल रहा है, पसीने में नहा रहे हैं, फिर भी खाए जाते हैं। कई लोग आते हैं दिल्ली के, वो आके कहेंगे दुकानदार से, भैया हम हर्ट के पेशेंट हैं, मिर्ची कम देना। बोले अरे महाराज यार दवा के पी ले हो, तुम्हारे सबरे पुर्जे खुल जाएंगे, जितने ब्लॉकेज हैंगे नसन में सबन में तो रक्त बहन लगेगा, पी जाओ यार। ब्रजवासी हमारे ऐसे आनंद करते हैं। तो ब्राह्मणों ने सबने बढ़िया नाश्ता किया, अब इतना नाश्ता कर लिया कि गले तक भर गया। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अन्न में मद होता है, बहुत अन्न सेवन कर लोगे ना तो आलस्य आ जाएगा, नशा हो जाएगा आपको। धन में नशा होता है, अन्न में नशा होता है, स्वर्ण में नशा होता है, माताओं में नशा होता है, उनको देख करके भी भाव प्रकट हो जाते हैं कई लोगों के, धन को देख के भी हो जाते हैं, भोजन को देख करके भी हो जाते हैं। और श्री वृंदावन बिहारी लाल में भी मद है, उनको कोई देख ले तो वो भी फिर आनंदित हो जाता है। तो अन्न में मद होता है, अन्न का अति सेवन करने से नशा होने लगता है। तो सारे ब्राह्मणों ने जैसे ही अन्न पाया, पाने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में एक दूसरे से बोले भैया हमने बहुत नाश्ता कर लियो है, अब तो जो है अनुष्ठान तो अभी कर नहीं पाएंगे, उबासी आ रही है, नींद आ रही है। सारे ब्राह्मण बोले तो फिर क्या करें, बोले एक काम करो 2-2 घंटा सब आराम कर लो, और फिर उसके बाद में फिर उठेंगे हाथ मुंह धो करके और फिर से जो है अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। नाश्ता करके सारे ब्राह्मण सो गए, और सारे ब्राह्मण बार बार यही कह रहे अरे विधाता नंद बाबा पर बड़ी कृपा करियो, इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, या बढ़िया भोजन पानी को इतना बढ़िया सब आनंद कर रखो है, नंद बाबा की मनवांछित इच्छा पूरी कर दियो नाथ। दोपहर में उठे सब ब्राह्मण उठे, अरे भैया चलो अनुष्ठान शुरू करनो है, गए यमुना जी में जाके मुख धो के जैसे तिलक आदि लगायो। इतने में ही रसोई घर से फिर आवाज आ गई, बोले राजभोग तैयार है सब आ जाओ। सारे ब्राह्मण बोले भैया अभी अभी तो बाल भोग पचो है, अब राजभोग बन गए हो, कहा करें अन्न को अनादर होगो, बेचारे हलवाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो पामे। ब्राह्मण बोले एक काम करो 2-2 रोटी खा लो और फिर यज्ञ में बैठ जाओ।
जैसे ही गए राजभोग पाने तो ये बड़े बड़े थाल, उनमें छोटी छोटी कटोरियां, और ब्राह्मण बोले थोड़ा थोड़ा दियो, वो थोड़ा थोड़ा ही इतना 56 भोग बनाए कि सबको पाते 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 ब्राह्मणों को फिर से मद हो गया। ब्राह्मण फिर से आलस्य में आ गए। ब्राह्मण बोले भैया फिर से नींद आ रही है, इतनो खा के अनुष्ठान तो होगो ना, इतनी देर बैठो जावेगो ना, एक काम करें रात अपनी है, अभी फिर से आराम कर ले रहे हैं, शाम को बढ़िया हाथ मुंह धो के रात भर अनुष्ठान करेंगे, दिन भर खाएंगे रात भर अनुष्ठान करेंगे। हाँ ये बढ़िया। और सब ब्राह्मण विधाता से कहे, हे विधाता नंद बाबा पर बड़ी कृपा करियो, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है। और कहते कहते सारे ब्राह्मण दोपहर में फिर सो गए। शाम को उठ करके हाथ मुंह धो करके जैसे सब अनुष्ठान करने बैठे तो फिर से आ गई आवाज, बोले कि रात का भोजन तैयार है, सभा के पा लीजिए। रात्रि में रबड़ी मलाई महाराज दूध पी पी करके सारे ब्राह्मणों को फिर मद हो गए। ब्राह्मण बोले एक काम करें। बोले क्या? 21 दिन तक सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात्रि का भोजन, इसी को अनुष्ठान का रूप दे देते हैं। भोजन पाएंगे, सोएंगे और विधाता से प्रार्थना करेंगे कि हे विधाता नंद बाबा के घर लाला भेज दियो। 21 दिन तक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ ही नहीं, ब्राह्मण केवल खाते और सोते, खाते और सोते। अंतिम दिन नंद बाबा ने इतनी दक्षिणा दी, इतनी दक्षिणा दी, सारी दक्षिणा लेकर के गए। जैसे ही यशोदा मैया ने आकर के प्रणाम करी है, सब ब्राह्मणों ने एक स्वर से किया कहा है, मैया पुत्रो भव, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेवे, ऐसा हमारा आशीर्वाद। हमारे पूज्य नाना जी कहते ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई मंत्र जप नहीं किया, केवल और केवल नंद बाबा के द्वारा की गई व्यवस्था में आनंद प्राप्त करके, प्रसाद प्राप्त करके, खूब आनंद से शयन करके, अपनी थकान दूर करके विधाता से केवल प्रार्थना करी है। लेकिन उन ब्राह्मणों की केवल इतनी प्रार्थना मात्र को स्वीकार करके, भगवान जन्मे हैं देव की वसुदेव के यहाँ, लेकिन ब्राह्मणों की बात की पूर्णता के लिए 11 वर्ष 56 दिन के लिए नंद बाबा यशोदा के यहाँ पुत्र बन करके आए, केवल उन ब्राह्मणों की वाणी पूरी करने के लिए। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। ब्राह्मण यदि कुछ कह देता है तो ठाकुर जी लग जाते हैं उसको पूर्ण करने में, इसलिए ब्राह्मणों का अति सम्मान करो। और काशी तो ब्राह्मणों की भूमि रही है, काशी तो विद्वानों की भूमि रही है। आज भी यदि कहीं कोई अनुष्ठान हो रहा हो, इतना कह दिया जाए बनारस के ब्राह्मण हैं, वाराणसी के ब्राह्मण हैं, तो सामने वाले वैसे ही सतर्क हो जाते हैं, बोले श्रेष्ठ ही होंगे, विद्वान ही होंगे। ब्राह्मणों के अति सम्मान का यह स्वरूप है कि नंद बाबा यशोदा के यहां ठाकुर जी पुत्र बन करके आए। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, अरे बड़े भाई।
यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो बड़े भाग्य से यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो बड़े भाग्य से यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो बड़े भाग्य से यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो कैसो सुत पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो पूरण हाँ पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो ओ या तो मगवा दे पालन बाते रो ललना या को मगवा दे ललना ओ जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले हाँ धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले घुटमन डोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले पकड़े बाबा की उंगलिया वसुदेव के आनंद भयो कन्हैया लाल
प्रकार से महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव प्रारंभ हुआ है और ऐसा उत्सव मन रहे हो है कि महाराज बस पूछो ही मत, सब लोग आनंद कर रहे हैं, एक दूसरे के घर घर जा जा करके बधाइयां दे रहे हैं, जैसे मानो सबके खुद के घर में लाला भयो है, ऐसे भाव से सब लोग उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा ने खूब लुटायो और कैसे लुटायो, नंद बाबा इतने आनंद में भर गए कि महाराज इतने सारे ब्रजवासीन को देख करके, ब्राह्मणन को देख करके नंद बाबा से रहो नहीं गयो। नंद बाबा ने कोई अपनी तिजोरी ते लुटाए कि अपने तहखाने ते लुटाए, भाव वो नहीं है नंद बाबा को, भाव ये नंद बाबा ने अपना हृदय खोल दियो। नंद बाबा अब ये विचार नहीं कर रहे हैं कि मैं कहां लुटा रहा हूं, कौन को लुटा रहा हूं, कैसे लुटा रहा हूं, बस लुटा रहे हैं। कृष्ण जन्मोत्सव का ये मूल अर्थ है। अच्छा, कृष्ण जन्मोत्सव का मतलब ये नहीं साल में एक बार उत्सव मनाने का दिन, कृष्ण जन्मोत्सव तो नित्य होना चाहिए, रोज होना चाहिए हृदय में। नित्य हृदय नंद बाबा जैसा हो जाए हमारा। कृष्ण जन्मोत्सव विशेष, कृष्ण जन्माष्टमी पर, कृष्ण जन्मोत्सव पर ठाकुर जी की प्रधानता नहीं है भागवत में, यहां पर प्रधानता नंद बाबा की, यशोदा मैया की और ब्रजवासियों की बताई जा रही है कि वो उत्सव कैसा मना रहे हैं। आकाश मार्ग में खड़े 33 कोटि देवता ऊपर से साष्टांग दंडवत कर रहे हैं ब्रजवासियों को। हमारी आपकी तरह नहीं, कल यहां से थोड़ा सा लुटाया गया तो सब लूटवे में लगे, एक दूसरे के हाथ में देख जाए तो उससे भी छीन रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रज में उत्सव कैसा हुआ, बोले जब नंद बाबा लुटाते थे ऊपर से तो ब्रजवासी उसको लूटते और लूट करके फिर पीछे लुटा देते, ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं। स्थिति यह हो गई महाराज कि पूरे ब्रजवासियों के जेबें भर गईं, कोई पल्लू में बांध रहे थे तो वो सब भर गए, घर में ले जा करके अपनी अलमारियों में धर रहे थे तो अलमारी भर गई, जगह नहीं बची रखने की, सामान इतना लूट रहे हैं, इतना लुटाया जा रहा है और नंद बाबा रुके ही नहीं रहे, फिर भी लुटा रहे। इसके पीछे भाव हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, बोले इतनो धन कहां से आ गयो नंद बाबा पे, इतनो क्यों लुटा रहे हैं। बोले यदि नंद बाबा के भाव पक्ष देखो जाए लुटावे को तो 6 महीने तक नंद बाबा लुटाते रहे, इतनी संपत्ति कहां से आई। तो नाना जी बताते हैं, बोले लाला भगवान की 2 पत्नी हैं, रमा और क्षमा। भगवान की 2 मुख्य पत्नी हैं, रमा, रमा यानी लक्ष्मी, क्षमा, क्षमा यानी भूमि, पृथ्वी। तो भगवान दोनों को सुख देते हैं, जब वैकुंठ में रहते हैं तो रमा को सुख देते हैं और जब पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तब क्षमा को सुख देने आते हैं। ये अवतार धारण करना एक प्रकार से परमात्मा का क्षमा से मिलन है, अपनी पत्नी से मिलन है। तो भगवान क्षमा को सुख देने के लिए जब कृष्ण रूप धारण करके आए तो भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देख करके, उनकी रूप माधुरी को देख करके रमा को लगने लगा कि इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए हैं, इनके स्पर्श का सुख क्षमा ले जाएगी, मुझको तो प्राप्ति नहीं हो पाएगा। तो क्या किया, बोले कि रमा ने आकर के डेरा बना लिया कहां, नंद बाबा के तहखानों में। और बोले जब नंद बाबा लुटाते थे तो जितना लुटाते थे उतनी दुगनी रमा आके और बैठ जाती थी, इतना धन बढ़ाती, इतना धन बढ़ाती कि लुटाते लुटाते नंद बाबा हार गए, लूटते लूटते ब्रजवासी हार गए, लेकिन धन कम ना हो। तो नंद बाबा ने इतना लुटाया कि ब्रजवासियों से जब लूटा ही नहीं गया तो सारी पृथ्वी भूमंडल जो ब्रज का है वो पूरा रमा से चिन गया, माने सोने चांदी हीरे जवाहरात आदियों से पूरी पृथ्वी ब्रजमंडल की छा गई। किस भाव में, बोले कि अब लाला जब बड़े होंगे, जब हमारे प्रियतम बड़े होंगे और जब घुटमुन घुटमुन चलेंगे, जब पापा पहिया चला करेंगे तो फिर वो सुख जो क्षमा को मिलने वाला था वो क्षमा को ना मिलके मुझको मिलेगा, रमा को मिलेगा, लक्ष्मी को मिलेगा। रमा क्रीडन भुन रप,
लक्ष्मी पूरे ब्रजमंडल में आकर के छा गई, ऐसी स्थिति। ऐसे ऐसे भाव बताए हैं यहां पर। नंद बाबा कैसे दान दे रहे हैं, बोले ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके अन्न का दान कर रहे हैं। तो अन्न का दान कैसे कर रहे हैं, बोले कि खूब बड़ी परात में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना करके गेहूं के, चावल के आदि आदि वस्तुओं के, वो चावलों के और गेहूं के आदि आदि पहाड़ बना बना करके उन ब्राह्मणों को दे रहे हैं। बैलगाड़ियों में भर भर के ब्राह्मण ले जा रहे हैं। लेकिन जब नंद बाबा वो परात देते हैं, तब ब्राह्मण के मन में इच्छा आती है, बोले केवल अन्न दे रहे हैं, दक्षिणा नहीं देंगे। लेकिन नंद बाबा तो केवल वही दे देते हैं। तो ब्राह्मण थोड़े से हताश होकर के जा रहे हैं कि केवल अन्न दिया है, कुछ दक्षिणा दान दक्षिणा तो दी नहीं। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण अपने घर जाते हैं और जाकर के कहते हैं, देवी ये परात में रखे हुए सब सामग्री को भर लो स्थान में, और जैसे ही ब्राह्मणी जाकर के उन परात में भरे हुए उन गेहूं चावल आदियों को जैसे ही वहां से हटाती है, वहां से निकालना प्रारंभ करती, तभी क्या देखती है, बोले ऊपर से तो गेहूं के पहाड़ हैं, लेकिन भीतर तो हीरे चांदी जवाहरात आदि सोनों से भरे हुए हैं। तब नंद बाबा अपने अपने, तब सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थानों से ही नंद बाबा को आशीष देते हैं, अरे बाबा आपको बारंबार प्रणाम करें हम, आपसे आपकी दीर्घायु की, आपके लाला की दीर्घायु की, आपके लाला को इतना यश होगा, हम प्रार्थना करें आपके लिए। इतना ब्राह्मणों का उपकार किया नंद बाबा ने। नंद बाबा के यहां एक ढाणी का आया। ये ढाणी का कौन है, बोले नंद बाबा के घर को ही है ये ढाणी के जो होते हैं, इनको ये कोई काम नहीं करते, जब इनके यजमान के यहां कोई बालक जन्म लेता है तब ही मांगने जाते हैं। लेकिन ढाणी के हैं तो नंद बाबा के, लेकिन कैसा अभाग्य, 80 वर्ष हो गए आज तक मांगने का कभी समय नहीं मिला, क्योंकि नंद बाबा के यहां कोई बालक हुआ ही नहीं। भले ही ब्रज के राजा के ढाणी के हैं, लेकिन कोई सौभाग्य नहीं मिला उसको। लेकिन आज जैसे ही पता चली कि नंद बाबा के घर लाला भयो है, ढाणी को दौड़ो दौड़ो गयो और जाकर के नंद बाबा को खूब बधाई दी, बोले बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने जैसे ढाणी को देखा, देखते ही रोने लगे, अरे ढाणी के 80 वर्ष बाद तेरे खानदान में पहली बार मांगवे को समय आयो है, चूक मत जाइयो, इतने साल बाद तो को मांगवे को अवसर मिलो, आज तो तू जी भर के मांग लियो। ढाणी को बोला, हाँ बाबा मैं मांगवे ही आया हूं। नंद बाबा बोले, बता ढाणी के तो कहा दूं। तब ब्रजभाषा के पद से वो ढाणी का गा रहा है, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो कह परिवार सुनायो। बाबा मैं आज पहली बार आपसे मांगवे आया हूं, लेकिन मैं आपसे मांगवे के काजे जैसे ही आ रहे हो तो मेरे घर के सब लोगों ने अपने अपने भाव कहे हैं कि हमारे काजे भी लेके आई हो। अपने घर के सब सदस्यों की बात बता दूं आपको। नंद बाबा बोले, बता बता जल्दी बता, कहा चाहिए। तब वो बोलो, तेरे तात कहो समझाए राय सुन, जाए शीशा दीजो। मेरे दो बड़े भैया हैं और उनमें जो सबसे बड़े भैया हैं, उनने कही है कि भैया मेरी तरफ से नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दियो और बधाई में कहा लेके आएगा। बोले कहा लाऊं बताओ। तब वो बोले, 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आई हो, और कैसी भैंस, बोले एक भैंस के नीचे कम से कम एक मन दूध हो, एक मन दूध एक बार देने वाली भैंस ऐसी लेके आई हो। नंद बाबा मुस्कुराने लगे, बोले भैया हम भैंस तो रखे ना है, हमारे यहां तो गैया हैं,
लेकिन तेरे भैया की इच्छा है भैंस मांगी है तो हम जरूर कहीं से व्यवस्था करके देंगे। और बता और कहा चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में मेरे बीच वाले भैया आ गए, उनने कहा मांगो। तापा छे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। बड़े भैया ने 200 भैंस मांगी है और बीच वाले भैया ने कही है मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दीजो और बदरे में 700 गैया लेके आइयो। नंद बाबा मुस्कुराने लगे, बोले हाँ गैया की व्यवस्था तो हम कर देंगे, अभी दे देंगे, लेकिन मुझको एक बात बता ढाणी के, मैं देवे को मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात पूछ रहा हूँ, 200 भैंस 700 गैया, तेरे भैया की उम्र कितनी है? बोले भैया हमारे बड़े वाले तो 100 के पार रह गए और बीच वाले 90-95 के आसपास हैं। नंद बाबा बोले तो ये 700 गैया 200 भैंस इनको दूध का ये शमशान में जाके पियेंगे? इतनी गैया ने इतने भैंसन ने ले जाके, ये तो इनके तो भैया लकड़ी बाट देख रही हैं शमशान घाट में और ये अभी से इतनी गैया भैंस मांग रहे हैं। लेकिन देख तैने कही है तेरे बड़े भैया हमारे बड़े भैया देंगे जरूर, बाकी बात वो जाने वो कहा करेंगे, लेकिन हम देंगे। और बता और कहा दें? बोले मैं दोनों भैयान की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरे दो बेटा हैं उनकी भी कछु मांग है। बोले अरे अरे बता बता जल्दी बता। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसीता के साथी, वाके काजे दीजो बाबा मत मत मदा तो हाथी। मेरे बड़े बेटा ने आपके लाला की हैवे की खुशी की बधाई में एक मतवालो हाथी मांगो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, तेरो बेटा हमारो बेटा, एक नहीं दो देंगे, मतवालो हाथी देंगे। और बता छोटे बेटा ने बता बाने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा दस है राशि घोड़ा। बड़े बेटा के काज हाथी दियो और छोटे बेटा के काज है राशि घोड़ा दियो, बढ़िया 10। बोले 10 घोड़ा? बोले बाकी बहुत सारे मित्र है ना, तो अकेलो ना चलेगो घोड़ा पे, अपने मित्रन को भी घोड़ा पे बैठा के चलेगो, या हमारे 10 घोड़ा। नंद बाबा बोले भैया देंगे देंगे जरूर देंगे। और बता, अच्छा देखो यहां पे अब ये बात, जब कृष्ण प्रकट होते हैं ना हृदय में, तब वस्तु कहां कितनी जा रही है, किस भाव से जा रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन कितना मांग रहा है, कौन किस भाव से है, उस समय मन में ये लोभ नहीं रहता है, लोभ नष्ट हो जाता है। नंद बाबा को ये नहीं लग रहा कि अरे भाई इतना दे दिया मैंने, इतना कमिट कर दिया, अभी तो 200 भैंस 700 गैया एक हाथी 10 घोड़ा यही तो करोड़ों पहुंच गए। लेकिन नंद बाबा अभी भी कह रहे हैं और बता और कहा दूं तुमको। इतने में ढाणी को बोलो बड़े बेटा को ब्याह है गयो है तो मेरी बहू ने कछु मांगो है। अच्छा बता कहा चाहिए तेरी बहू को? बेटा बधू लाज तजिमो सो चलत आए भई ठाड़ी, घूंघट करके मेरी बेटा की बहू मेरे सामने आ गई और आकर के मुंह से कहा बोली नंद बाबा के घर लाला भयो है, मैं जब से ब्याह के आई हूं मुझको कछु मिलो नहीं है, क्योंकि आपके घर की स्थिति ऐसी नहीं, आप बार बार मुकु तानो देते। बोली बहू हमारे यजमान के घर कछु भयो ही ना है, हमारे यजमान के यहाँ कछु भयो ही ना है, कहां से लामे, लेकिन आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है पिताजी, आज तो मैं मांगूंगी अपने मुख से मांगूंगी। नंद बाबा की आंखन में आंसू आ गए, अरे तेरी बहू हमारी बहू है, बता माने कहां मांगो। तब नंद बाबा तब ढाणी को बोले नख सिख सो गहनों सब ले हो
तीहर से ती चोली। नंद बाबा से कह के आई हूं मैं लाला को आशीर्वाद देवे जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं आऊंगी, पैर के नख से लेकर के सिख तक जितने माताओं के श्रृंगार के होते हैं उतने सोने के श्रृंगार और बढ़िया सुंदर वस्त्र लेके वहां से आवेगो वाकू पहन के तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा बोले अरे भैया देंगे, तेरी बहू हमारी बहू में जरूर देंगे। और बता और कहा दें? बोले मैं अपनी बेटा की बहू की भैयान की सबन की बात मान के आन लगो तो मेरी एक छोटी बेटी है सबते लाडली है, वो आके खड़ी है गई। बोले पिताजी मेरे काजे कहा लाओगे? मैंने की बता बेटी कहा चाहिए? बोले मैं मुँह कछु चाहिए नहीं, मैं आपके संग चलूंगी। नंद बाबा बोले तो भैया तेरी बेटी कहाँ है, क्यों ना आई? बोली मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे आवेगी? तो वाने कछु मांगो है। बेटी एक लाडली मेरी चलत आए भई थाड़ी, सहित कहार पालकी ले हूं सोजो भरे गाड़ी। बाबा मेरी बेटी बोली मैं भी चलूंगी लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, नंद बाबा से कहो बधाई के रूप में पालकी भेजें और पालकी उठावे वाले चार कहार भेजें और वही में एक संदूक में खूब सारे गहने रख के भेजें, उन गहनन को पहन के वह पालकी में बैठ के तब लाला को आशीर्वाद देवे जाऊंगी। और सुनो वो जीवन भर चारों कहार और पालकी मेरे ही रहेंगे फिर। नंद बाबा बोले अच्छा पहले गाड़ी थोड़ी देते थे, पहले तो पालकी होती थी और कहार देते थे संग में। नंद बाबा बोले देंगे पालकी, इसीलिए तो गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, कौन को दिए? ये ढाणी को दे रहे हैं। सारे ब्रजवासी खड़े खड़े देख रहे हैं और सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्यों? बोले एक की तो 80 साल की तपस्या है कि 80 साल से एक समय भोजन खा के रहे हो है ढाणी को, इतनो दीनहीन सो जीवन बितायो है याने, और एक को हृदय देखो कितनो बड़ो है, देवे से मना नहीं कर रहे हो, जितनो मांग रहे हो सब देते जा रहे हैं। ये देख करके ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं। नंद बाबा बोले बेटा देंगे, जो मांगो सब देंगे, और बताओ और कहा चाहिए? बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले तेरी मैया अभी बैठी है? हाँ तो द्वापर की बात है, द्वापर में तो लोगों की आयु बड़ी होती थी, 10,000 वर्ष की आयु होती, 1,000 वर्ष की। मेरी मैया ने कछु मांगे, बिना दांत की मैया है, बाकी दांत भी ना है, वाने कछु मांगो है। नंद बाबा बोले तेरी मैया को मेरो प्रणाम, बता कहा चाहिए? वाके कहा चाहिए? ढाणी को सुना रो है। माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो हम बहुरी न मांगे भीख। लाला नंद बाबा की लाला भयो? बोले हाँ लाला भयो, मेरो खूब खूब आशीर्वाद देके आई, और सुन मेरी बात सुन, नंद बाबा के यहां जइयो और जाकर के ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो, फिर हमें कहीं और के पास में अपने हाथ नहीं फैलाने पड़े, हमारा खानदान हमारे आगे आने वाले सबरी पीढ़ी नंद बाबा के दिए पे ही जीन लगे, ऐसो दान मांग के आइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया जरूर देंगे, कोई रह तो ना गयो घर में? तेरे भैया है गए, तेरे दोनों बालक है गए, तेरी बेटी है गई, तेरी मैया है गई। इतने में यशोदा मैया बोली अरे अभी तो सबसे मुख्य रह गई या ढाणी के की बहू पत्नी, वाने तो अभी तक कछु बताया ही नहीं। ढाणी को बोलो बाकी बात रहन दो। बोले ना ना बाकी तो जरूर बता, वाने कहा मांगो। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही चलन लगो इतने में ही मेरी पत्नी आ गई, और मेरी पत्नी मुंह से बोली कहां जा रहे हो? इतनी तेज आवाज में कौन बुला सकता है?
नंद बाबा बोले भैया कहाँ मांगो बाबा ने वाक्य बता दे। ढाणी को बोलो, तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मैं बहुत देर से देख रही हूं, कोई 200 भैंस मांग रहा है, कोई 700 गैया मांग रहा है, कोई नक्शे सिकतक सोनो मांग रहा है, कोई पालकी मांग रहा है, और कोई कह रहा भैया इतना दान मांग के आइयो कि हमारे घर पूरा भर जाए। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, उनको ऐसो नहीं लगे कि तुम लूट में जा रहे हो उनको। तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो, और थोड़ो दे बहुत कर मानो पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा के यहां जाओ और नंद बाबा यदि सुख से थोड़ो सो भी दे देना तो वाकू सिर से लगा करके घर आ जाइयो, लेकिन हमारी लाज रख के आइयो। कहीं नंद बाबा यो नहीं कहे भिकारी आ गए हो कितनों मांग के जा रहे हो। मेरी बहू ने कही है, थोड़ो दे बहुत कर मानो पर लाज राख कर आई हो। ये बात सुनते ही नंद बाबा तो आंखों से आंसू बहा के रोने लगे, ढाणी के को हृदय से लगा लिया। यह सुन हसे नंद ढाणी के तेने अल्प मनोरथ कीने, जो कुछ कहो सुनो काहू सो दूनों दूनों दे हो। नंद बाबा ने हृदय से लगा के बोली, अरे ढाणी के तेरी ही तपस्या से हमारे घर लाला भयो है। मुनीम जी आपने सब लिखा? ढाणी के ने जो जो बताया बोले हाँ महाराज 200 भैंस 700 गैया ये। बोले अब एक काम करो, जितना बोला है ना सब दुगना दुगना करके ढाणी के यहां भिजवा दो। और महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। नंद बाबा के इस उदार हृदय के प्रति सब नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे हैं नंद बाबा, साधारण नहीं है। जब कृष्ण हृदय में आते हैं तो नंद बाबा जैसी स्थिति हो जाती है। उस समय भी यह भाव रहे, ये कोई ले ना जाए, ये कहीं कम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, नहीं, वो सर्व समृद्ध मानता है स्वयं को, तो समझो कृष्ण हृदय में आए हैं, तो समझो घर में आनंद हुआ है। नंद घर आनंद भयो कहते हैं, नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कान्हा भयो, नंद घर गोपाल भयो, ऐसा नहीं कहते, नंद घर आनंद भयो। ये आनंद की स्थिति जब हो जाए तब समझो कृष्ण जन्मोत्सव हुआ। और निरानंद व्यक्ति इस प्रकार से नहीं कर सकता जैसा नंद बाबा कर रहे हैं। नंद बाबा के हृदय में आज अपार आनंद, अपार प्रसन्नता है, उसी का प्रभाव सब देख रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनता रहा। कब तक मनता रहा? बोले 6 महीने तक मनता रहा। 6 महीने तक उत्सव होता रहा। आपको पता नाथद्वारा में ठाकुर जी की छठी कब पूजते हैं? अष्टमी से एक दिन पहले ठाकुर जी की छठी पूजते हैं नाथद्वारा में आज भी। क्यों? छठी कब पूजती है बालक की? जिस दिन पैदा होता उसके 6 दिन बाद। लेकिन नाथद्वारा में एक दिन पहले क्यों पूछते हैं? जन्माष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी को छठी पूछते हैं। तो उसका इतना सुंदर भाव श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं, बोले कि भैया नंदोत्सव इतना इतनी जोरों से मनता रहा कि मैया और सब गोपी भूल गए कि लाला की छठी पूजनी है। जब लाला 1 वर्ष को है वे वारो, तब सब ने कही अरे भैया कल तो अष्टमी है, कल तो लाला को जन्मदिन है, कल लाला 1 वर्ष को है जाएगा। तब एक बूढ़ी अम्मा आकर के बोली, यशोदा मैया लाला 1 वर्ष को हैवे को आ गयो, लेकिन अभी तक हमने यहाँ की छठी नहीं पूजी। या हमारे 1 वर्ष के जादना लाला भाई वासे एक दिन पहले छठी पूजी ठाकुर जी। आज भी ब्रज में एक दिन पहले छठ पूजती है ठाकुर जी की। क्यों? बोले ब्रजवासी भूल गए थे छठ पूजना ठाकुर जी। 1 साल तक उत्सव ही मनाते रहे, एक दूसरे के संग गाते रहे।
बड़े सुंदर सुंदर भाव है नंदोत्सव के। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्दते नन्दस्य ब्रजमागते। आ गया विश्वनाथ का नाम, कृष्णे विश्वेश्वरे नन्दते। बोले नंद के घर साक्षात विश्वेश्वर कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रसन्नता में सारे ब्रजवासी वाद्य बजा रहे थे। अब एक बात सुनो, एक साल तक उत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में, तो जो तबला बज रहे थे, जो ढोलक बज रहे थे, जो नगाड़े बज रहे थे, जो ढोल बज रहे थे, वो तो दो चार महीने में सब फट गए। उनका भी एक समय है, उतनी देर ही बज सकते हैं। तो कहते हैं कि भैया जब तबला ढोलक आदि सब फट ही गए, सारे साज आदि सब टूट टाट गए 6-7 महीने में, तो फिर उत्सव आगे का कैसे चला। बोले ब्रजवासी, बोले उत्सव रुकना नहीं चाहिए। तो कोई मुख से विचित्र वाद्य बजाने लगा, कोई किसी की कमर पर तबला बजाने लगा, देखा कि किसी के बाल नहीं है तो उसी के सिर पर ही नंगाड़ा बजाने लगे। वाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सव, इस प्रकार एक दूसरे को ही वाद्य बना करके बजा रहे हैं, विचित्र विचित्र आवाजें निकाल करके सब लोग उत्सव मना रहे हैं। ऐसा उत्सव पूरे ब्रजमंडल में हो रहा है। एक एक बधाई और गाते हैं हमारे यहाँ। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद झुके आंगन में बज रही आज 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 बधाई। ओ चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। ओ रात रात में नंद बाबा की, रात 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 में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा, हाँ दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में Thank you.
मंडल में मन रहा था। इतने में ही महाराज कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी वृंदावन पर आ गई। कंस ने राक्षसों को बुलाया था और राक्षसों से बुला करके कहा कि मेरे शत्रु श्री कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, ढूंढो मारो। तब पूतना ने मन का भाव बताया, बोले कि महाराज ये सेवा आप मुझे प्रदान कीजिए, 84 कोस के ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं सबको जाकर के अपने पयोधर विष का पान कराऊंगी, उन्हीं सबके बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा, मुझे दीजिए ये सेवा। कंस ने कहा देवी तुम जाओगी कैसे, तुम्हारा इतना भयंकर विकराल स्वरूप है, कोई अपने घर में प्रवेश कैसे देगा। अपनी मंत्र शक्तियों से रूप बदल लिया, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि महाराज कंस भी उसको देखते रह गए। बोले कि ऐसा रूप धारण करके जाऊंगी तो मुझे घर में आने से कोई नहीं रोकेगा। मानव का एक स्वभाव होता है कि वो सौंदर्य पर जल्दी विश्वास करता है। कोई व्यक्ति अच्छे कपड़ों में ना हो, ज्यादा सुंदर दिख ना रहा हो, बाल बाल अच्छे उसने ना काट रखे हो, ऐसे व्यक्ति पर हमारा विश्वास बड़ी देरी से होता है। अरे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, अरे कपड़े इसने ऐसे पहने, इससे हम कैसे बात कर लें। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा जेब कतरा क्यों ना हो, डांकू क्यों ना हो, बढ़िया सज धज के आ जाए, परफ्यूम लगा के बढ़िया टिप टॉप बन के आ जाए, उस पर तो न्योछावर हो जाते हैं। यही बात तो बताई भगवान ने मोहिनी बन के, भगवान जब मोहिनी बनकर के आए तो देवता तो सब पीछे पड़ ही गए थे, दैत्य तो लट्टू ही हो गए थे। दैत्यों ने तो अमृत कलश ही दे दिया मोहिनी के हाथ में, बोले तुम ही पिलाओ अपने हाथों से, तुम्हारे हाथ से ही पिएंगे। मोहिनी भगवान बोले तो एक काम करते हैं, इसमें पतला पतला ऊपर जो अमृत है ना, ये पहले देवताओं को पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिलाऊंगी। दैत्य बोले अब तो तुम जो चाहो वो कर लो, हम तो तुम्हारे हो चुके हैं। और भगवान ने सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। दैत्य फंसे ना, रूप पे फंस गए। इसलिए ज्यादा सुंदर रूप, ज्यादा सुंदर वस्त्र पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। पूतना रूप बदल करके, पूतना की कथा बहुत सारे ज्ञान देती है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। पूतना जाने लगी नंद भवन की ओर। अब तो उसने क्या किया, 10 दिन में जितने बालकों ने जन्म लिया, जहां पे भी देखती कि कोई बालक का उत्सव हो रहा है वहीं पर पहुंच जाती, बालक को आशीर्वाद देने के भावना से अपने हृदय से लगाती और अपने हृदय में पयोधर का पान कराती, पयोधर पर विष लेप करके गई थी, जैसे ही वो बालक पीते मर जाते। करते करते सब जगह जैसे ही पहुंची है गोकुल, गोकुल के बादल उसने देखे नीले हरे गुलाबी बैगनी हो रहे हैं। क्यों, बोले ब्रजवासियों ने इतना उत्सव मनाया, इतने अबीर गुलाल उड़ाए कि बादलों तक का रंग बदल गया। पूतना जैसी पहुंची, पूतना को लगा हो ना हो मेरे शत्रु कृष्ण का जन्म यही हुआ है। जैसे ही पूतना प्रवेश करने लगी तो महाराज वर्णन आता है कि पूतना की चाल पर, पूतना की पाजेब की झनकार को सुन करके कृष्ण जन्मोत्सव में तल्लीन समस्त ब्रजवासी एक एक करके पीछे मुड़ करके देखें, ये इतनी सुंदर ध्वनि कहां से आ रही है, ये इतनी सुंदर पाजेबों की आवाज कहां से आ रही है। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखें और पूतना के रूप को, पूतना के चाल को, पूतना के आव भाव को, पूतना के नेत्रों की मटकाहट को जैसे ही देखते हैं उसी के हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम उत्सव मना रहे हैं। सब ब्रजवासी एक दूसरे से कहें देखियो भैया कितनी सुंदर है। बोले कहां ते आई है, कौन की छोरी है, भैया अपनी मैया ते बात करूंगा, मेरो ब्याह यही ते करवा, इतनी सुंदर। ये तो थी ग्वाल वालों की स्थिति, लेकिन गोपियों की स्थिति, 4 गोपियां आपस में नाच रही हैं, आनंद कर रही हैं। इतने में पूतना उनके समीप जाती है, पूतना जाके कहती है अरे बहन सुनो, उसके मुख से सुनो शब्द सुनकर के गोपियां स्तब्ध। बोले इतनी सुंदर आवाज ये किसकी है। पीछे मुड़कर के जैसे पूतना को देखा तो गोपियां देखती रह गईं
और आपस में एक दूसरे से कहने लगी, बोले कल हमने जब नंद का लाला देखा तो छोटा सा लाला पालना में जब झूल रहा था तो हमको लगा कहीं ये नारायण ही तो नहीं आ गए हैं यशोदा के यहाँ पर, और आज तो हमारी बात पर मोहर लग गई। क्यों? वो नारायण है तभी उसका दर्शन करने लक्ष्मी आई है। देख कितनी सुंदर, देखिए इतनी सुंदर। बंधुओं पूतना कौन है? अविद्या। आप कथा सुन रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप उत्सव मना रहे हो, आप ठाकुर जी का सुंदर दर्शन कर रहे हो, उन सब के बीच में आने वाला विविधान जो तुमको ठाकुर जी से विमुख करता है वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते कोई व्यक्ति या कोई प्रकार का काम आपको ऐसा याद आ जाए कि तुरंत आपका मन करेगा अरे नहीं अब तो जाना पड़ेगा मुझे, तो वो काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो पूतना है उस समय, क्योंकि कथा के बीच में विविधान दे रही है। आप दर्शन कर रहे हो लाल जी का और दर्शन करते 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 तभी आपका फोन बज जाए, आपने फोन साइलेंट करके साइड में रख दिया, लेकिन आपने तिरछी नजर से जैसे ही देखा फोन किसका है, फोन जिसका है नहीं उठाया तो गलत होगा, आपने तुरंत दर्शन छोड़े फोन उठाने लगे तो उस समय विश्वास मानना वो फोन जिसका है ना वो पूतना ही है। क्यों? क्योंकि हरि दर्शन में विविधान, ये अविद्या ही पूतना है। कथा के मध्य में निद्रा हो रही है, उबासी आ रही है, तो उस समय निद्रा ही पूतना है। कहने की सीधी बात, सीधा अभिप्राय, भगवत भजन में जो भी विविधान डाले वो पूतना है। पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सब उत्सव मनाना भूल गए, सब पूतना को देख रहे हैं। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, नंद भवन के भीतर विराजमान यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते ही यशोदा मैया के मन में भी भाव आ गया, अरे विधाता इतनी सुंदर, हे विधाता कृपा करके ऐसा कर देना कि इसकी भी कोई बेटी हो, यदि इसकी बेटी होगी तो ऐसी सुंदर होगी और बातें मैं अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। इतनी सुंदर पूतना, पूतना के स्वरूप पर सब मोहित हो गए, लेकिन जैसे ही पूतना ठाकुर जी के समीप गई है, पालना में लेटे भय पौड़े भय छोटे से ठाकुर जी ने पूतना के ऊपर आते ही अपने आंखों पर हाथ धर लिए, जिस पर सब मोहित हो गए, जिस अविद्या को देख करके सब रीझ गए उस पर ठाकुर जी नहीं रीझे। यही अंतर है जीव में और परमात्मा में। जीव सौंदर्य पर मोहित होता है, परमात्मा बाहरी सौंदर्य नहीं देखते, वो भीतर का सौंदर्य देखते हैं। बोले बाहर से तू कितना भी मेकअप करके आई हो, भीतर से तो मैं जानता हूं ना कैसी है तू, नहीं देखा ठाकुर जी ने। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे अनेक कारण बताए गए हैं। उसमें से एक कारण बताया जाता है कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, बोले भगवान नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण कर रहे हैं। हे विश्वनाथ हम तो अभी छोटे से लाला हैं, 7 दिन की उम्र भैया अभी हमारी, मैया को दूध भी ढंग से पियो नहीं और ये मौसी हमको जहर पिलावे आ गई है। तो भगवान ने महादेव का स्मरण करके कहा आपको विष पीने का बड़ा अभ्यास है, एक काम करो आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ। और क्या करेंगे फिर? बोले पूतना का पयोधर जैसे ही हम पान करेंगे ना तो उसमें से जितना विष आवेगा वो आप पी जाना और दूध दूध हम पी जाएंगे। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके महादेव का स्मरण कर रहे हैं। दूसरा भाव बताते हैं भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैं नेत्रों से इसको देखूंगा मेरे देखते ही इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसकी मति बदल जाएगी, इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। लेकिन ऐसे अविद्या को तो मारना, इसको दंड देना ही है मुझे, इसको सुधारना नहीं है, इसको तो दंड दूंगा, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। लेकिन एक भाव मुझे अति प्रिय है वो मैं कह दूं,
ठाकुर जी ने पूतना को क्यों नहीं देखा? बोले भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा, बोले पूतना तुझे कुरूपणी बनाया मैंने, तुझे काली बनाया मैंने, तू सुंदर नहीं है क्योंकि तुझे मैंने ऐसा बनाया, लेकिन आज जब मेरे पास आई है तो तू वैसी बनकर के नहीं आई जैसा मैंने तुझे बनाया, तू अपना अलग से श्रृंगार करके आई है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। मैं फिर कहूं यहां पर बाहरी श्रृंगार का भाव नहीं है, आप लोग कहीं ये सोचो कि हम बढ़िया वस्त्र पहन के सुंदर बन के मंदिर में जाते हैं उसके लिए मना कर, नहीं, खूब बढ़िया से धज के जाओ, लेकिन कहने का भाव केवल इतना है इस संसार में ठाकुर जी ने हमको भेजा है, हमारे जितने भाव हैं जितने कुभाव हैं हम जैसे भी हैं ठाकुर जी ने हमको वैसा बनाया है, संसार के सामने भले कितने भी आवरण चढ़ा लो अपने ऊपर, कितना भी छुपा लो खुद को, लेकिन जब ठाकुर जी के सामने जाओ ना तो जैसे हो वैसा स्वयं को प्रस्तुत करो। भगवान वंशी बजाते हैं, हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, वायलिन वाले क्यों नहीं थे भगवान कृष्ण, तबला क्यों नहीं बजाया भगवान ने, वंशी ही क्यों बजाई? क्योंकि वंशी का एक स्वभाव होता है, वंशी पोली होती है, वंशी में छिद्र होते हैं, मतलब ये वंशी के अवगुण हैं सारे कि वो पोली है, उसमें छिद्र हैं। यदि बिना जानने वाला व्यक्ति हवा डालेगा तो वंशी कभी स्वर दे ही नहीं पाएगी, लेकिन उस पोलेपन को, उस उन छिद्रों को उसने छुपाया नहीं, ठाकुर जी के सामने खुला प्रस्तुत कर दिया, मैं ऐसी हूं। भगवान बोले तुम जैसे हो वैसा मेरे सामने प्रस्तुत करोगे तो अपने अधरों पर तुमको निवास दूंगा, स्वयं को बदल करके मत आ, माफ करिएगा, मैं एक व्यास हूं, मुझे आप सब लोग गुरु जी कहो, महाराज जी कहो, सब लोग प्रणाम करते हैं, उस समय मुझे बड़ी शर्म आती है कि सब लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के दूर से, उस समय मुझे लगता है नहीं करें तो अच्छा है, लेकिन फिर ये भी लगता है नहीं करें तो क्या करें, अब कथा कर रहे हैं कुछ तो करेंगे, तो इसलिए मैं सबसे कहता हूं दूर से ही हाथ जोड़ा करो, ऐसे ही प्रणाम कर लिया करो, क्यों? क्योंकि यदि मैं इसी भाव में यहां से जाऊं और विश्वनाथ के सन्मुख भी इसी भाव से जाऊं कि मैं एक व्यास हूं, मैं एक कथा वक्ता हूं, तो विश्वनाथ के पास हजारों लोग दर्शन करने वाले आते होंगे, लेकिन विश्वनाथ उसी को देखते हैं जो अपने ऊपर चढ़े हुए आवरण को छोड़ करके आता है। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, मंदिर में हजारों लोग जाते हैं दर्शन करने, हजारों लोग ठाकुर जी को देखते हैं, लेकिन बात यह श्रेष्ठ नहीं है कि लाखों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। हमारे वृंदावन में आए दिन न्यूज आती है, आज वृंदावन में रिकॉर्ड टूटा कितने वर्षों का, क्यों? बोले 3 लाख लोगों ने बिहारी जी के दर्शन किए, आज 2 लाख लोगों ने गली में जाकर के ये किया। अभी ताली वाली बात नहीं है, सुनो, अभी मैं एक बात कह रहा हूं, आए दिन हमारे न्यूज़पेपर में आता आज इतने लाख लोग आ गए, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, मुझे लगता है कितने लाख बिहारी जी के सामने खड़े हैं ये बड़ी बात नहीं है, उन लाखों में बिहारी जी ने किसको देखा ये बड़ी बात है। लाख क्या, करोड़ पहुंच जाओ वहां पे। मैं पहले, बहुत पहले आया था काशी, मेरे बलिया में कथा थी, तब मैं बनारस ही उतरा था एयरपोर्ट पर, तब आया था पहली बार, तब मैंने विश्वनाथ के दर्शन किए थे, राम राम महाराज, सवेरे मंगला में बस नहीं लगे, प्राण नहीं निकल जाए मेरे, छोटी छोटी गलियों में होकर के रास्ता, और अभी जो वो बगल वाला स्थान है वहीं बिल्कुल उसके बगल से ही ऐसे रास्ता बना हुआ था, वो दर्शन मैंने किया था विश्वनाथ का। आज का दर्शन करो बिल्कुल ही बदल गया, कॉरिडोर इतना बड़ा मैदान कि लाखों लोग तो भीतर ही खड़े हो जाएंगे, लेकिन इतने बड़े उस प्रांगण में लाखों लोग विश्वनाथ को चारों ओर से घेर करके खड़े हैं ये बड़ी बात नहीं है, उन लाखों में विश्वनाथ की दृष्टि किस पर है ये बड़ी बात है। और ये हम कथा क्यों सुनते हैं, ये हम जप नियम तप सब क्यों करते हैं, क्यों ना लाखों में विश्वनाथ को भले ही हम ना देख पाए लेकिन विश्वनाथ हमको देख ले। सूरदास जी के मैंने 2 तर्क बताए थे कि सूरदास जी को लोग कहते थे आपको भगवान ने आंख नहीं दी फिर भी आप उनका इतना भजन करते हो। सूरदास जी के 2-3 तर्क मैंने बताए थे। एक तर्क सूरदास जी कहते थे, बोले कि मुझे भगवान ने आंख इसलिए नहीं दी, भगवान कहते हैं दुनिया मुझे देखती है लेकिन सूरदास
तुझे मैं आंख नहीं दूंगा ताकि तू मुझे ना देखे, मैं तुझे देखा करूं, मैं तेरा दर्शन किया करूं। भगवान ने सारे राक्षसों को देखा लेकिन पूतना को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पूतना अपना रूप बदल करके गई है। तो इसके प्रति यही भाव है कि पूतना की इस अविद्या से यही सीखो, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ, अपनी सारी पदवियां, अपने सारे यश, अपने सारी खूबियां सबको मंदिर के बाहर छोड़ के जाओ, उनके सामने शून्य बन करके जाओ, तब विश्वनाथ देखते हैं, तब बांके बिहारी देखते हैं, हां कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है। अपने ऊपर सारे अनावरणों को नष्ट करके जाओ। हम पहले दिन विश्वनाथ की मंगला आरती करने गए तो अभिषेक जी की पंडित जी से जानकारी थी, तो मैं तो पीछे ही खड़ा था कि जैसे मिल जाए बस एक एक झलक दिखनी चाहिए नाथ की। लेकिन ये ले गए आगे आगे, बोले चलो महाराज जी यहाँ बैठेंगे। वहाँ बैठ गए तो वहाँ एक पुलिस अधिकारी आए, आप लोग उस वाले गेट पर बैठ जाओ। मैंने क्यों भैया? बोले वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आ रहे हैं, वो बैठेंगे यहाँ। मैंने कहा अच्छा। तो पुजारी जी बोले वो जब आ जाएंगे तब इनको हम उठा देंगे। हम तो ऐसे साधारण भाव से थे, मैंने कहा कहीं बैठा दो, नाथ का बस दर्शन करना और दो मिनट बाद कहोगे चले जाओ तो चले भी जाएंगे। लेकिन अपने भीतर एक बिल्कुल दीनता रख के बैठे थे और जैसे ही कपाट खुले वो सुप्रीम कोर्ट के जज आए, वो आकर के मेरे नीचे ही बैठ गए। मैंने कहा आप ऊपर बैठ जाओ। नहीं आप बैठ ही रहो। मैंने कहा लो कर लो, स्वयं के अनावरण को छोड़ करके जब जाओगे तो ठाकुर जी जल्दी स्वीकार करेंगे। आवरणों को चढ़ा के जाओगे, मैं कथा वक्ता हूं, मैं ये महाराज जी हूं, मैं वहां का MLA हूं, मैं वहां का MP हूं, मैं ये हूं वो हूं, तो सारे VVIP वाले हैं ना, इनसे तो ठाकुर जी मुंह और मोड़ के रखते हैं, इधर देखते ही नहीं है। बोले तुम मुझे देखने आए हो, मैं तुमको नहीं देखूंगा, मैं उनको देखूंगा जो मुझे, जिनको मुझे देखना है, जो अपने अनावरणों को छोड़ करके आए। एक बात बोल दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, VVIP बनके मंदिर में जाने का दूसरा नाम क्या है? पूतना बनके मंदिर जाना। पूतना VVIP बनके आई है, लक्ष्मी का रूप धारण करके आई है, भगवान ने नहीं देखा उसको। सब मोहित हो गए लेकिन भगवान मोहित नहीं हुए। भगवान की मैया यशोदा मैया कहने लगी, अरे बहन कहां से आई हो, इतनी सुंदर हो। बोले मैं मिश्रानी हूं, मिश्रा जी तो कल आके आपके लाला को आशीर्वाद देके गए, मुंह को लगी मैं भी जाऊंगी तो आज मैं भी आई हूं। अच्छा कहां से आई हो? बोले पास के गांव से आई हूं। अच्छा। इतने में ही कुछ गोपियां आ गई, आकर के बोली यशोदा मैया बाहर बहुत सारी सखियां आपको इंतजार कर रही हैं, बाहर को आओ। यशोदा मैया बोली लाला अभी सोए हो ना है, कैसे आ जाऊं? पूतना बोली मैं हूं ना, आप मुझे दे दीजिए, मैं सुला दूंगी, आप थोड़ी देर बाहर होके आओ। तो पूतना के सौंदर्य, पूतना के स्वरूप पर यशोदा मैया को संशय नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत लाला को दे दिया, ठीक है आप करो सेवा। यशोदा मैया बाहर चली गई और इतने में ही पूतना ने अपने पयोधर का पान जैसे ही ठाकुर जी के मुख में पयोधर दिया, भगवान ने सबसे पहले तो उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, फिर दुग्ध को पिया, और दूध पीते 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 ठाकुर जी ने उसके संपूर्ण शरीर के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सबको पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही उसके प्राणों को पीना शुरू किया, 20 मिनट हो गए ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। पूतना बोली अब मर गया होगा, अब मर गया होगा, जैसे ही हटावे तो ठाकुर जी अभी भी पी रहे हैं। पूतना बोली मरता नहीं है, छोटा सा बालक, इतनी देर हो गई, अब तक तो इसको मर जाना चाहिए। पूतना दूर करे लेकिन ठाकुर जी और जोर से पी में गानम कराभ्याम, अपने दोनों भुजाओं से पकड़ करके दुग्ध पान कर रहे हैं।
जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना की श्वास कम होने लगी, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, वीपी हाई होने लगा, श्वास तेज चलने लगी, पसीना आने लगा, और धीरे 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 विकराल नेत्र प्रकट हो गए, बड़े बड़े कान निकल आए, उसके विशाल जटाएं जैसे उसके बाल खड़े हो गए, भयंकर विकराल राक्षसी के रूप में पूतना प्रकट हो गई। और जैसे ही पूतना राक्षसी बनी है, अब तो चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। अब भगवान ने अपनी आंखों से हाथ हटा दिया, आंख खोल करके अब देखा पूतना, बोला हाँ अब आ गई ना अपने रूप में, और मुस्कुरा करके, 7 दिन के हैं केवल कन्हैया, और बोले मौसी जी हम तो एक बार जाकू पकड़ लें तो ठिकाने लगा के ही छोड़े फिर तो। हमारे पूज्य नाना जी कहते बोले कि पूतना को मारने की कुछ करने नहीं पड़ा भगवान को, 7 दिन के बालक बोल रहा है ये देख कर के पूतना के प्राण निकल गए। विशाल काय पूतना नंद भवन के पीछे ना जाने असंख्य कितने सारे खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके वहीं धड़ाम से गिर पड़ी और पूतना का मर्दन हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की, पूतना का वध हुआ। पूतना की इस कथा से हमने क्या सीखा कि अविद्या से सदैव बचकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। बाहरी आवरण मत चढ़ाओ अपने ऊपर, खूब सुंदर श्रृंगार करो, खूब सजो धजो, लेकिन हृदय से तुम जैसे हो वैसे ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। मैं अपनी कथा में गाया करता हूं, पूज्य पिताजी महाराज का अति प्रिय पद है, न तो रूप है न तो रंग है ना गुणों की कोई भी खान है। हमारे ब्रज वृंदावन के श्री बिंदु जी महाराज बहुत अच्छे कथा के वक्ता थे, मुगल जमाने में उनके द्वारा लिखा हुआ ये पद है, बहुत अच्छा भाव है इसका, शब्द सुनिएगा। न तो रूप है न तो रंग है ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले इस सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है ना रंग है ना गुणों की कोई भी खान, फिर शाम कैसे शरण इस सोच में मेरे
चिंता का विषय सब बताया गया है। ठाकुर जी हमारे किस गुण पर रीझ करके हमें स्वीकार करेंगे, ऐसा क्या है हमारे पास जो उनके लायक हो, ये चिंता का विषय होना चाहिए। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में हूँ बंधा। नफरत है नफरत है जिन से उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा। नफरत उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा, हट भी है और अभिमान है। फिर शाम कैसे शरण में, इसे सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है ना तो रंग है, ना गुण एक दीनता का हूँ बिंदु में, वो कृपालुता के निधान है। फिर शाम कैसे शरण इस सोच में मेरे प्राण है। ना तो नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। भगवान स्पष्ट कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा।
लेकिन आप खुद सोच करके विचार करके बताइए, खुद खुद को ही देख लीजिए, क्या आप में छल नहीं है, क्या आप में कपट नहीं है, क्या आप में क्रोध नहीं है, क्या आप में काम नहीं है, क्या नहीं है हमारे अंदर? सब कुछ तो है। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं बंधा। सब कुछ तो है हमारे अंदर जिनसे उनको, जो उनको पसंद नहीं है, तो फिर वो कैसे हमको अपनी शरण में ले सकते हैं? ये जो लोग प्रश्न करते हैं ना, मंदिर क्यों जाना चाहिए, बिल्कुल मत जाओ, तुम्हारे जाने ना जाने से ठाकुर जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने ऊपर कृपा करवाने जाते हो कि वे थोड़ी बहुत कृपा हम पर कर दें ताकि जीवन हमारा थोड़ा सहज हो जाए, इसलिए जाओ। हर जगह केवल अपना स्वार्थ देखता है मानव। मंदिर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या मिलता है, पंचामृत चढ़ाने से क्या मिलता है? नहीं मिलेगा तो नहीं चढ़ाओगे, कुछ मिलना चाहिए बस तुमको। अरे रोज रात्रि में सोते हो और सुबह फिर उठ करके संसार देखते हो, इससे बड़ी कृपा और भगवान की क्या चाहिए आपको कि आप आज भी जीवित हो। जाके देखिए मणिकर्णिका घाट पे मरने वालों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन हम जीवित हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने आज भी हमको एक दिन दिया है, एक जीवन दिया है, आज भी हमको श्वास दे रहे हैं। ये कम है क्या कि आपको और कुछ भी चाहिए ठाकुर जी से? हाथ दिए, पांव दिए, बुद्धि दी, आंख दी, ये कम नहीं है? तो फिर सब भगवान ही कर देंगे, तो आपको करना ही क्या, कुछ मत करो, बैठे रहो। हम उनके लायक बने कहां हैं? चिंता इस बात की होनी चाहिए। मन क्रम वचन से ध्यान से लगी लौ है इस संसार से। बिंदु जी कहते हैं मन से वचन से बुद्धि से सब जगह से हम कहां लगे? संसार से ही तो लगे हुए। कभी स्वप्न में भी भूल के उनका कभी भी ना ध्यान है। कितने लोगों को स्वप्न में ठाकुर जी दिखते हैं? किसी को नहीं। हम इतने योग्य हैं ही नहीं कि ठाकुर जी हमारे स्वप्न में आते हों। तीन प्रकार के दर्शन होते हैं ठाकुर जी के। प्रथम दर्शन होगा स्वप्न दर्शन। ठाकुर जी जब मिलना स्वीकार करते हैं ना किसी से, तो सबसे पहले उसको स्वप्न में दिखते हैं। फिर दूसरा होता है अनुभव दर्शन। ठाकुर जी का अनुभव होगा, अनुभूति होगी कि शायद बगल में बैठे थे, शायद यहीं पर बैठे थे, अभी कोई लीला करके गए हैं, ये जो हुआ है ये भगवान ने किया, ये जो हुआ ये ठाकुर जी की क्रिया है, ये अनुभव दर्शन है। और तीसरा और अंतिम प्रत्यक्ष दर्शन, सामने खड़े ही हो जाएंगे। हमारे स्वप्न में ही नहीं आ रहे, हमारे चिंतन में ही नहीं आ रहे हैं, प्रत्यक्ष तो बहुत दूर की बात है। पूतना की ये कथा हमें बताती है, अपने रूप पर, अपने स्वरूप पर, अपने अंदर आवरण चढ़ा करके संसार के लिए, संसार को रिझाने के लिए जो तुमने चढ़ा रखे हैं अपने ऊपर, उनको ठाकुर जी के सामने उतार के जाया करो। जैसे हो वैसे बन करके जाओ, भले ही हम में कितने भी अवगुण हैं। बिंदु जी महाराज अंतिम पंक्ति में इतनी अच्छी बात कहते हैं। बिंदु जी कहते हैं, एक दीनता काहूं बिंदु में। जब इतने अवगुण हैं ही, तो फिर ठाकुर जी स्वीकार क्यों करेंगे? और फिर तुम जाई क्यों रहे हो उनके सामने? बोले, मैं अपने अवगुण स्वीकार कर रहा हूं, ये दीनता मेरे अंदर है। केवल एक गुण है दीनता का। मानव का सबसे बढ़िया सद्गुण क्या है बताओ? मानव का सबसे बढ़िया सद्गुण है अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हाँ ये कमी है मुझ में, हाँ मैं ऐसा हूं, ये स्वीकारीकरण उसका सबसे बड़ा सद्गुण है। सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। इतने बड़े भक्त होने के बाद भी क्या कह रहे हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम। एक भक्त के गले में कंठी माला देखकर के दूसरों ने पूछा, बोले भैया गले में क्या पहन रखा है तुमने?
तो वो प्रत्युत्तर देते हैं, मैं हूँ कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम, गल विच डोरी प्रेम की, जित खींचे उत जाऊं। ये दीनता जो है, अपने अवगुणों को स्वीकार करने की, केवल ये गुण ऐसा है जिस पर ठाकुर जी रीझ सकते हैं। हाँ, तुम अपने अवगुणों को स्वीकार करते हो, कोई हमारे अवगुण बता दे तो महाराज उस व्यक्ति को दूसरे दिन देखना पसंद नहीं करते हम लोग। इसने मेरे अवगुण बताए, इसको बुराई बुराई दिखी मुझ में, अच्छाई कुछ नहीं दिखाई थी इसको। तो पूतना के इस भाव से क्या सीखना है? हमको पूतना बन के नहीं जाना ठाकुर जी के सन्मुख। हम इतने योग्य भी ना बन पाए कि ठाकुर जी हमको देखें। अब यहां विषय एक आता है कि यहां पर लिखा है कि भगवान ने पूतना के विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में लिखा प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, प्राणों को पिया। पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ठाकुर जी ने पुण्यों को पिया, ठीक है पूतना ने पाप तो बहुत किए होंगे इसलिए ठाकुर जी ने उनको पी लिया, लेकिन पुण्यों को पिया ये बात समझ नहीं आती। पूतना ने भी कोई पुण्य किया था क्या? तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्यक्ति जब भगवत दर्शन के लिए अपने घर से निकलता है तो उसको प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होते हैं। आप जब विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं, अपने घर से जब चलते हैं, तो आपको प्रत्येक पग पर कई पुण्य प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि आप विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हो। पूतना आज भगवान को मारने के लिए आई, उसने अनेक पुण्य किए मार्ग में चलते समय, क्यों भगवान को मिलने जा रही है ना, भले ही मारने जा रही हो लेकिन जा तो भगवान के पास रही है, इसलिए उसके पुण्य इकट्ठे हुए थे, उनको भगवान ने पिया। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, पाप और पुण्य पी क्यों रहे हैं भगवान, इनकी जरूरत क्या है? ये बात बहुत समझने की है, जानने की है। प्रहलाद चरित्र में भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं नृसिंह भगवान। प्रहलाद जब नृसिंह भगवान जाने लगे तो प्रहलाद जी बोले प्रभु मैं भी चलूं आपके साथ, भगवान बोले नहीं अभी तुम यहीं रुको। बोले अब शेष क्या रह गया जीवन में, आपकी भक्ति कर ली, आपको पा लिया, आपका दर्शन कर लिया, आपकी गोद में बैठ लिया, आपका स्नेहाभिलाषी बन गया मैं, आपका वरदहस्त पा लिया, अब जीवन में क्या करने के लिए रुकूं मैं यहां पे? तो भगवान बहुत अच्छी बात कहते हैं, भगवान कहते हैं देख प्रहलाद, पाप और पुण्य दोनों को शून्य करो। कुछ विधान हैं पृथ्वी को छोड़कर जाने के, उन विधानों को पूर्ण करना पड़ेगा। पृथ्वी से जाने वाले व्यक्ति के यदि पुण्य शेष रह जाते हैं तो वो व्यक्ति स्वर्ग जाता है, उस व्यक्ति के पाप शेष रह जाते हैं तो वो व्यक्ति नरक जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को, पाप और पुण्य दोनों क्या प्रदान करते हैं? पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक मिलता है। लेकिन पृथ्वी कैसे मिलती है? पृथ्वी पर जो ये हम मानव बन के आए हैं ये किसके प्रभाव से आए हैं? पाप और पुण्य दोनों समान हैं हमारे भीतर, इसलिए हम पृथ्वी पर आए हैं। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कितना भी बड़ा कोई महात्मा क्यों ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई पाप विद्यमान ना हो, सबके भीतर होते हैं, इसीलिए वो पृथ्वी पर जन्मा है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पाप पुण्य दोनों से समान युक्त आता है, फिर यहां पर अपने कर्मानुसार पापों को कम करता है, पुण्यों को ज्यादा कर लेता है। लेकिन बंधुओं, पुण्यों को ज्यादा करना भी एक प्रकार से घातक है। कैसे? ज्यादा पुण्य हो गए तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग क्या है? बोले छिन्ने पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते ही दोनों फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, आवागमन का चक्कर ये बंद नहीं होगा। तो क्या करें? बोले पुण्यों को भी शून्य कर दो और पापों को भी शून्य कर दो। जब पाप पुण्य दोनों शून्य होते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होती है।
अब प्रश्न उठता है, पाप और पुण्य शून्य कैसे होते हैं? तो भगवान प्रहलाद को बताते हैं कि उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं। तीन समय भोजन करना, रात्रि में चैन से सोना, सुबह उठकर के बढ़िया स्नान ध्यान करके फिर अपना श्रृंगार आदि करना, पत्नी के साथ रहना, बच्चों के साथ किलोल करना, एक घर में निवास करना, दिनचर्या अपनी निभाना, ये है उपस्थित भोग जो ठाकुर जी ने आपको उपस्थित दिए हैं। इसमें अतिरिक्त भोग भोगना वो गलत है। उपस्थित जो आपके सामने हैं उनको आप भोग रहे हो, उससे क्या होगा, पुण्य धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं, और असहाय लोगों की सहायता करना, बड़े जनों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, कौन को बालक खोगो भैया, अच्छा बोर हो रहा है क्या बता रहा था मैं, पाप पुण्य, ये थोड़ा गंभीर विषय है, अब इससे मन विचलित हुआ तो भूल जाऊंगा मैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य शून्य होते हैं, और गुरुजनों की सेवा, बड़े वृद्धों की सेवा, असहाय लोगों की सेवा, अकिंचन लोगों की सेवा, दीन लोगों की सेवा, इससे क्या होता है, पाप नष्ट होते हैं। उपस्थित भोगों को भोगिए और असहायों की सहायता कीजिए, ये दोनों जीवन भर करते रहो तो पुण्य भी शून्य हो जाएगा, पाप भी शून्य हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए, ये हमको कैसे पता चले, हमारे पाप भी शून्य हो गए और पुण्य भी शून्य हो गए, हमको ये कैसे पता लगेगा? इस प्रश्न का उत्तर है सर्वम कृष्णमयम विश्वम। पाप और पुण्य दोनों जब शून्य हो जाते हैं तो फिर क्या दिखाई देता है, माता पिता नहीं, भाई बंधु नहीं, मित्र शत्रु नहीं, सर्वम कृष्णमयम विश्वम। वो जिसको देखते हैं उसमें कृष्ण का ही दर्शन करते हैं, जिसको देखते हैं उसके प्रति गुण, कृष्ण का दर्शन करने का एक अभिप्राय ये भी मानिए, वो जिसको देखते हैं उसमें गुण का दर्शन करते हैं, कि इसमें गुण क्या है। सब में देखने पर गुण दर्शन होना ये पाप पुण्य की शून्यता को दर्शाता है, पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए इस बात को परिलक्षित करता है। और जब इस स्थिति में पहुंच जाओगे तब ठाकुर जी प्राप्त होंगे, तब उनकी प्राप्ति होगी। तो इसलिए भगवान ने पूतना के पयोधर से विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्य को पिया, पाप को पिया, ये पुण्य पाप इसलिए आए क्योंकि जब तक दोनों शून्य नहीं होंगे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। और फिर अंतिम बात आती है, भगवान ने उसके प्राणों को पिया। प्रश्न करने वालों ने झड़ी लगा दी महाराज वेदव्यास जी के सामने, बोले आप कैसे कह सकते हैं, पूतना के प्राण कोई पवित्र थोड़े ही थे जो भगवान उसको सेवन कर गए। हम लोग मंदिर में जाते हैं, इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, फोन करके अपने बेटा से कहेंगे उस दुकानदार से मिठाई मत लाना, उसकी दुकान की मिठाई अच्छी नहीं है, ठाकुर जी को पवित्र देना है, उस दुकान से लेकर के आना। हम इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं और यहाँ पर ठाकुर जी अत्यंत अपवित्र पूतना के प्राणों को पी गए। ठाकुर जी यज्ञ भोगता है, वो पवित्र भोग लेते हैं, वो शुद्ध भोग लेते हैं, वो यज्ञ भोग लेते हैं। कहां तक कहें महाराज, जगन्नाथपुरी में तो मुंह पर पट्टी बांध के भोजन बनाया जाता है, क्यों, जो प्रसाद बन रहा है उसकी सुगंधी से कहीं हमारी जीभ में पानी आ गया तो फिर ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे उसका, वो भोग अपवित्र हो जाता है। इतनी हम लोग पवित्रता का ध्यान रखते हैं ठाकुर जी के भोग में, और ठाकुर जी ने यहां पर पूतना के प्राणों को ही पी लिया। तब इसका उत्तर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी टीका सुबोधिनी जी में दिया है।
श्रीमद वल्लभाचार्य कहते हैं, बोले प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत पूतना के, भगवान ने प्राणों को पिया। यहां पर पूतना के प्राण नहीं पिए भगवान ने, तो बोले किसके प्राण पिए? बोले पूतना भगवान को जब मारने के लिए आई तो भगवान के पास आने से पहले असंख्य बालकों के प्राण हर के आई है। कितने बालकों को मार करके यहां आई है। भगवान ने मन में विचार किया, आज मेरा जन्म उत्सव, मेरे को जन्म लिए 7 दिन हुए, पूरा ब्रजमंडल मेरा उत्सव मना रहा है, ये उत्सव ब्रजमंडल के लोगों के पापों को नष्ट कर देगा। और इस पूतना ने घर घर में जाके बालकों को मार करके मातम मनवाया। जन्माष्टमी का पर्व कलंकित हो जाएगा। क्यों? बोले भैया इस दिन एक राक्षसी ने ब्रजमंडल के सारे बच्चों को मार दिया था, इसलिए ठाकुर जी ने पूतना के भीतर जितने बालकों को मार करके आइए उनके जो प्राण विद्यमान थे उन प्राणों को पी करके उन बालकों को पुनः जीवित कर दिया। ये भाव श्रीमद वल्लभाचार्य बताते हैं। ठाकुर जी ने पूतना के प्राण नहीं, पूतना के प्राण तो निकाल लिए, लेकिन प्राण जो सेवन की बात है, प्राण जो पीने की बात है, वो किन के प्राण पिए हैं? बोले उन बालकों के प्राण जिन जिन के ये हरण करके आई है उनके प्राण ठाकुर जी ने पिए और पी करके उनको पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार पूतना को भगवान ने मार दिया। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा तो महाराज विशाल विकराल पूतना का शरीर और उसके ऊपर भगवान पौड़े हैं। भगवान को उतार करके लाए और ला करके महाराज गौशाला में ले गए और गौशाला में जाकर के ठाकुर जी के सिर से लेकर के चरण तक ठाकुर जी को झाड़ा दिया है। प्रत्येक अंग पर गौ चरण रज लगाई है ठाकुर जी के। मंदु गौ माता अत्यंत पवित्र है। श्री महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति राह चल रहा हो और गलती से गौ माता का स्पर्श कर दे, गलती से स्पर्श कर दे, तो गलती से गौ माता को छूने का क्या प्रभाव होता है वो महाभारत में बता रहे हैं। तुमने अच्छे से भाव से प्रेम से गौ माता का स्पर्श किया, उसका भाव तुम अपने आप अनुमान लगा लेना, लेकिन गलती से गौ माता को स्पर्श करने का क्या प्रभाव है? भीष्म पितामह कहते हैं कि स्वर्ग जाना सरल है, नर्क जाना सरल है, स्वर्ग जाना सरल है, वैकुंठ जाना सरल है, सबसे कठिन होता है नर्क जाना। और विडंबना यह है, संसार का हर दूसरा व्यक्ति नर्क जाता है, सबसे ज्यादा लोग नर्क में ही जाते हैं, लेकिन वहां जाना बड़ा कठिन है, मार्ग बहुत दुर्गम है वहां का। क्यों? बोले जब व्यक्ति नरक जाता है ना तो यम के दूत उसके गले में फंदा बांध देते हैं, और यहां से लाखों करोड़ों योजन दूर है एक नरक। किस गति से लेकर के जाते हैं? बोले हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए जाते हैं। बोले जिस व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं ना उसको इतनी ठोकरें लगती हैं, कहां कहां उड़ता है, कहां कहां नीचे गिरता है, वो अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि मैं जा कहां रहा हूं। जैसे ही वो नरक पहुंचता है ना, तो नरक पहुंचने से पहले वो मन में विचार कर रहा होता है, हे भगवान मुझे जल्दी से नरक पहुंचाओ, मैं रास्ते से परेशान हो गया हूं। उस समय विनती करता है कि मैं जल्दी नरक पहुंचूं, जाकर के अपने भोग भोगूं और निकलूं वहां से। लेकिन इतने में भी चैन नहीं पड़ता यम के दूतों को, तो यम के दूत क्या करते हैं, नरक जाने से पहले वैतरणी नदी के किनारे जाकर के उसके गले का फंदा खोल देते हैं और उसको वैतरणी में धक्का दे देते हैं। वैतरणी पार करेगा तब नरक पहुंचेगा। वैतरणी की गति भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होती है, और विशेषता यह है कि इस नदी में कोई स्वच्छ जल नहीं है। कोई जल नहीं है। वैतरणी नरक में भोग भोग रहे लोगों के शरीर के रक्त मांस मवाद हड्डियों से भरी हुई है। ऐसी दूषित दुर्गंध वैतरणी में से आती है कि दुर्गंध से ही बेहोश हो जाता है आदमी पहली बार में। तो
जिस नरक में केवल 10 दिन उसको अपने पाप भोगने हैं, उस नरक को पहुंचने में 1000 वर्ष लग जाते हैं, उसको वैतरणी पार ही नहीं कर पाता। भीष्म पितामह कहते हैं जो व्यक्ति गलती से गौ माता का स्पर्श कर देता है उस पर गौ माता की कितनी कृपा कि यदि वो व्यक्ति नरक गया तो जैसे ही वैतरणी में कूदेगा इतने में सुर भी गौ माता आकर के अपनी पूंछ पकड़ा करके 1000 वर्षों में पार होने वाली वैतरणी को क्षण भर में पार करा देती है और उसको पहुंचा देती है। ये किस बात का प्रतीक है? बोले उसने गलती से गाय को छुआ था, इसका प्रताप है। आज गोपाष्टमी है, छीत स्वामी एक पद गाते हैं अष्ट सखाओं में, और गाते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी ने सर्वांगीण अपनी लीला किसके लिए की? पांडव कहते हैं हमारे लिए की, नंद यशोदा कहते हैं हमारे लिए की, ब्रजवासी कहते हैं हमारे लिए की, कंस कहते हैं मुझे मारने के लिए की, रुक्मणी कहते हैं मुझसे विवाह करने के लिए की, महाभारत युद्ध के योद्धा कहते हैं हमारे युद्ध के लिए की, अर्जुन कहते हैं गीता उपदेश के लिए की, लेकिन भगवान कहते हैं मैंने कृष्ण अवतार केवल और केवल गौ माता के लिए धारण किया। केवल गायों के संग निवास मिले, गायों के संग रहने को मिले, इसलिए किया। चीत स्वामी कहते हैं आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गोविंद को गायन में बस वो ही भावे आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय गायन सौब्रज छायो वैकुंठ हु बिसरायो गायन के हेत गिरी कर ले उठा आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गोविंद को गायन में बसवो ही भावे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय है गायों के बीच में छोड़ दो बस। श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो वन में जाकर के गायों को चराने गए हैं। अब हमारी तरह फोन तो है नहीं ठाकुर जी की उससे मन लगा लें, क्या करते हैं बैठे बैठे सोचते हैं मन कैसे लगे मेरा। तभी ठाकुर जी जाते हैं और वन में जितने वृक्ष वल्लरी दिखती हैं, जितने लता गुल्म पत्र आदि दिखते हैं सबको तोड़ करके ठाकुर जी कुछ अपने मुकुट पे बांध लेते हैं, कुछ पत्ते अपने कानों में लटका लेते हैं, कुछ का बाजू बंद बना के हाथ पे पहन लेते हैं, कुछ को अपनी कमर पर करधनी बना करके पहन लेते हैं, करधनी में लगा लेते हैं पत्तों को, वनमाली बन जाते हैं। और जब वनमाली बन जाते हैं तब अपनी वंशी का नाद करते हैं, उस वंशी का नाद सुनकर के दूर घास चर रही गौ माता जैसे ठाकुर जी को देखती हैं, हरे भरे घासों में ढके हुए, हरे भरे पत्तों में ढके हुए ठाकुर जी को जब गाय देखती हैं तो पूंछ उठा करके दौड़ती हैं और जाकर के ठाकुर जी की कमर पर लगे भये, हाथों पर लगे भये, उन पत्तों को घासों को जब अपनी जीभ से चाट करके खाना प्रारंभ करती हैं तो ठाकुर जी को गुदगुदी होनी प्रारंभ होती है और ठाकुर जी किलकिल करके हंसते हैं, कभी इधर भागते हैं उधर भागते हैं, गाय पीछे पीछे भागती हैं, ऐसे ठाकुर जी का मन लगता है वन में। आज उन गायों के बीच ठाकुर जी को सबसे पहली बार लेकर के गोपियां गईं और जाकर के कहीं पूतना की अला बला ना लगी हूं, ठाकुर जी को पूंछ से झाड़ा दिया और गाय के खुर की रज से ठाकुर जी के 12 तिलक किए हैं प्रत्येक अंग के।
कोई बहुत बड़े वैद्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे छोटे छोटे जब रोदन करें ना, ज्यादा नजर गुजर लग जाए, हमारी कही एक बात मान लेना। अब संस्कृत आती हो काशी की, भैया लोग हो आप लोग तो संस्कृत पढ़ भी सकते हो। तो श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के छठवें अध्याय में जो पूतना मर्दन की लीला है, यहां पर कुछ श्लोक हैं जो शुकाचार्य जी ने वर्णन किए हैं। श्लोक संख्या 20 से लेकर के श्लोक संख्या 29 तक बच्चों को गौशाला में ले जाकर के दसम स्कंद के छठवें अध्याय के 20 से 21 29वें श्लोक तक का गौ माता की पूंछ से झाड़ा देते हुए पाठ कर लीजिए। उस बालक को जो भी नजर लगी होगी, जो भी हारी बीमारी हुई होगी, जो भी उसके अंदर कष्ट होगा, सब नष्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। और अंत में झाड़ा देने के बाद में गाय के खुर का, जब गाय थोड़ी आगे बढ़ जाए, उसके खुर से रज उठा के शीश पर, गले पर, कोठों पर, हाथ पर, चरणों पर, सर्वांगनंग पर लगा दो। ऐसे यशोदा मैया अपने लाला को स्वस्थ रखती थी, ऐसे आप स्वस्थ रखा करो अपने अपने बालकों। लेकिन शर्त एक ही है कि गौ माता देसी होनी चाहिए, जिनके गले में कंबल हो, जिनका कोठा उठा हुआ हो, जिनमें से दुग्ध की सुगंधि आ रही हो, वो देसी गाय, उससे करो। बोलो जगत जननी श्री गौ माता की जय। ठाकुर जी की बाल लीला से लेकर के और सर्वांगीण लीलाओं में गौ माता संग रही है ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी की नजर उतारी गौ माता ने। लाल जी धीरे धीरे बड़े होने लगे, अब 3 महीने के हो गए। जैसे 3 महीने के हुए, आज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली है। तो श्रीधाम वृंदावन में करवट उत्सव मनाया गया, ठाकुर जी की करवट का उत्सव। पूरे वृंदावन का जरा न्योता दिया गया, सब ब्रजवासी आए, कोई लाला के गाल खींचे, कोई लाला के हाथ पकड़े, कोई लाला के चरण पकड़े, सब लाला के संग खेल रहे हैं। लाला रुदन करने लगे, मैया यशोदा लाला को उठा करके ले गई और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिए और वहां पे लाला सुला दिए। और धीरे धीरे झुलाते झुलाते जब लाला को नींद आ गई, मैया उठ के वहां से चली गई। जैसे ही मैया गई, भगवान देखने लगे, बोले मैया तू मुको अकेलो छोड़ के जा रही है। एक बात कहें, शिव आराधना और कृष्ण आराधना दोनों में सामंजस्य नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। शिव आराधना सदैव ब्रह्म भाव से, भगवत भाव से की जाती है और कृष्ण आराधना सदैव लोल्य भाव से की जाती है। लोल्य भाव मतलब जैसे अपने बालक को लाड़ लड़ाते हैं ना, इस भाव से की जाती है। और जिन घरों में ब्रह्म भाव से कृष्ण आराधना होती है ना, वहां पे मूर्ति विराजमान होती है, कृष्ण नहीं होते। इसलिए साक्षात उनका दर्शन, उनका अनुभव करना हो तो लोल्य भाव, जैसे एक एक मां का भाव अपने बालक के प्रति होता, उस भाव से। दो सखियां यमुना जल भरने जा रही थी, आपस में चर्चा करती जा रही थी, बोले अरे तेने भगवान देखे? बोले भगवान ऐसे ना रहे, ये संत महात्मा रेखा, इनके पास हूं मैं भगवान। इतने में ही जाकर के देखा यमुना किनारे एक महात्मा झोला लेकर के आए और झोला रख करके यमुना स्नान करने गए। तो दोनों सखी बोली, बोले महात्मा तो ये रहे, भगवान कहाँ है? बोले इनके झोला में बैठे। जैसे ही महात्मा यमुना स्नान करने गए, दोनों गई, दौड़ करके झोला में से बक्सा निकाला, उसमें छोटे से लड्डू गोपाल बैठे थे। इतनी सरल, इतनी सहज, दोनों के मन में आया, देखो बाबा ने छोटे से बक्सा में ठाकुर जी बंद कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए, हाथ ऊपर है गए, घुटने नीचे है गए। वो लड्डू गोपाल के मन के प्रति भाव ये आ गया कि इनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए क्योंकि बक्सा में बंद कर दिए। अरे बेचारे बाबा ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए। लारी सखी ने घी दे और घी लगा करके जैसे ही ठाकुर जी की मालिश करनी शुरू करी, अरे ठाकुर जी पांव सीधे कर लो, हाथ सीधे कर लो।
मालिश करने लगी। करते करते ठाकुर जी को इतना भाव आया, बोले कि अरे सखी तेरे भाव को प्रणाम करें, दुनिया मुकु यही भाव से पूजे, और तो को लग रही है मेरे हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं गए। सोई ठाकुर जी सीधे हो गए। जैसे ही सीधे हुए तो बाबा डंडा लेके भागा, बोले अरे मेरा झोला खोलती हो। सखियों ने ठाकुर जी वैसे ही धर दी और धर के भाग गई। बोले बाबा हम पे काई को चिल्ला रहा है, तेने ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े कर दिए और हम पे चिल्ला रहा है। बोले मैंने टेढ़े मेढ़े किए? बोले देख अपने ठाकुर जी सीधे है गए। अब जैसे ही बाबा ने बक्सा खोल के देखा तो ठाकुर जी लड्डू गोपाल सीधे बैठे थे। बाबा देख करके हैरान हो गए, बोले ठाकुर जी सीधे कैसे हो गए? गोपियों को प्रणाम किया, बोले तुम्हारे भाव को वंदन करते हैं, हम नित्य लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे मन में कभी भाव आता है? ये बेचारे पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इनको दर्द नहीं होता होगा? कई घरों में मैं जाता हूं तो मैं उनके लड्डू गोपाल की सेवा देख के यही विचार करता हूं कि तुमने कितने सुख का विचार किया। एक जगह मैं गया तो वहां पे उन्होंने नीचे बड़ी सुंदर सी तकिया लगा रखी थी हाथ के नीचे, देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने कि ये बात देखो, ये भाव अच्छा लगा, आपने ये विचार तो किया कि ठाकुर जी का हाथ ऐसे उठा रहता है थक जाता होगा, ये लोल्य भाव है, इस भाव से कृष्ण उपासना होती है। रोज रोज स्नान नहीं कराना है। शंकर जी को नहीं लगती सर्दी, वो तो रोज नहाते हैं, लेकिन हमारे लाला को रोज रोज नहीं नहाना है। हफ्ता 10 दिन में एक आध बार नवाए करो, बाकी के दिन गीले कपड़ा से पोंछ दे करो। कहां तक कहें आपसे, श्रीधाम जगन्नाथ यदि जाओगे तो जगन्नाथ जी में इतने बड़े जगन्नाथ जी और इतने बड़े बड़े चांदी के सोने के शीशे हैं। सुबह सुबह कैसे नित्य पूजा होती है? बोले जगन्नाथ जी के सामने उन शीशों को खड़ा कर देते हैं, तो जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब शीशे में जब दिखाई देता है तो पुजारी जी शीशे को ही नहा देते हैं, और ठाकुर जी उसी से प्रसन्न, हाँ नहा लिए हम, हो गया स्नान। कृष्ण उपासना लोल्य भाव की है, लाड़ के भाव की है। उपासक को यह विचार नहीं करना है कि मैं एक उपासक हूं और ये मेरे उपास्य देव हैं, यहां तो ये भाव रखना है कि ये मेरे कन्हैया और मैं इनकी यशोदा हूं। उस भाव से करना है, तब ही सेवा स्वीकार करते हैं वो, नहीं तो स्वीकार नहीं होती। और जब इस भाव में आ जाओगे ना, तब एक क्षण के लिए भी अपने ठाकुर जी को छोड़ोगे तो उनको कष्ट होगा कि मुझसे दूर मत जाओ, मेरे संग रहो। यशोदा मैया जैसे ही जाने लगी, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैया बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वेदज्ञ वर्षों तक तपस्या करते हैं तब भी मेरे एक क्षण का दर्शन नहीं कर पाते, और मैं तेरे यहां बालक बनकर के आ गया, तू मुझे अकेला छोड़ के चली गई? तेरे लिए बाकी सब लोग जरूरी हैं, मैं जरूरी नहीं हूं। इतने में ठाकुर जी ने अपना एक चरण उठाया और चरण उठा करके ऊपर जो बैलगाड़ी थी उस पर बहुत सारे गौरस के मटके रखे थे, उनमें घी दही दूध आदि सब रखा था। ठाकुर जी ने एक पादप प्रहार किया, उस पादप प्रहार से बैलगाड़ी तो पलटी। अब ठाकुर जी को नहीं पता था उस पर एक राक्षस बैठा था ऊपर, उसका नाम था सक्तासुर। ठाकुर जी ने पादप प्रहार किया कि थोड़ी आवाज होगी तो मैया लौट के आ जाएगी, लेकिन इसी बहाने सक्तासुर ऐसा उड़ा महाराज अंतरिक्ष से भी ऊपर चला गया, लौट के ही नहीं आ पाया बेचारा। सकटों के टूटने की जब आवाज आई, मटकों की टूटने की आवाज आई, मैया ने कही ये कहां से आवाज आ रही? पीछे मुड़के देखा तो वो बैलगाड़ी पलटी पड़ी है और नीचे कन्हैया बैठे। सब ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, जाकर के लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बोले अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? इतना सुंदर भाव यहाँ सुखाचार्य जी बताते हैं कि तभी छोटे छोटे बालक आए और आकर के मैया से बोले, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? बोले कैसे गिरी? बोले तुम्हारो ये लाला है ना छोटो सो? बोले हाँ। याने अपनो पाम उठायो और इतनो लंबो कियो, लंबो करके जोर ते मार दी, सुई बैलगाड़ी गिर गई। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। मैया ने एक थप्पड़ मार, बोले झूठ बोला? नेक्स्ट 103 महीना को मेरो लाला पहली बार करवट बतली है और तू कह रहा हो याने अपने पाम ते बैलगाड़ी उड़ा दी, झूठ बोल रहा है?
अरे मैया तेरी सों खा के कहूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखो। लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला ऐसा कर सके। बंधुओं, ब्रजवासियों की विशेषता ही यही है। ठाकुर जी ने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि हमारा लाला भगवान है। और जहां पर प्रभुता का स्वीकारीकरण नहीं होता ना, वही तो प्रेम होता है। जिस प्रेम में यह दिखाया जाए कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बलवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उससे रीझ करके तुम प्रेम करो, वो प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी इतनी बड़ी बड़ी लीला कर देते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं, तब भी ब्रजवासी पकड़ के कान ही खींचते हैं ठाकुर जी का, उनकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते। अभी आगे प्रसंग आएगा कि गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कहा ना, मैया नारायण समो गुणई, तुम्हारा लाला जो है ये नारायण के समान गुण वाला है, सोई मैया ने गोद में बैठे कन्हैया को कान पकड़ो, बोले काकई आपने कौन है ये, बोले नारायण है, बोले नारायण है इसका मतलब संसार का है, और जो संसार का है वो मेरो लाला ना है, लेकिन ये मेरो लाला है, मेरी गोद में बैठो, मैंने आपको कान मोड़ रखो, ये हमारे ये नारायण नहीं है, मैं अपने लाला को नारायण ना मान सकूं। भगवान इशारा करते हैं गर्गाचार्य जी को, बोल कुछ मत बोलो, मुझे इसी में ही सुख है, मैं यहां प्रभुता छोड़ने ही आया हूं, प्रभुता त्यागने ही आया हूं, मुझे यही स्वीकार है। हमारे वृंदावन में गाते हैं, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहार, कौन पावे बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ ब्रह्म निराकार, अरे हाँ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, हाँ प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे, हाँ नारद जी महाराज बोले कि मैं भगवान को ढूंढ के आता हूं, वो कहां है? तो ब्रेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तत् ब्रह्म, श्रुति म परे स्मृति म परे नीति म परे भजन्तु भव भीता, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसताः। नारद जी महाराज बोले मैं भगवान को ढूंढने के लिए कहां गया? बोले वेदों के पास गया, मैंने वेदों के सारे पन्ने पढ़ लिए, मुझे भगवान नहीं मिले, मैंने श्रुतियों के सारे पन्ने पढ़ लिए, नीतियों के सारे पन्ने पढ़ लिए, लेकिन मुझे भगवान नहीं मिले, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, विमलात्मा, निर्मलात्मा, शुद्धात्मा, सबसे पूछ लिया, लेकिन मुझे कोई नहीं बता पाया भगवान कहां है।
तभी अहम तु नंदम वृंदे, तभी मैं वृंदावन गया। और वृंदावन में मैंने क्या देखा, बोले यस्यालिंदे ब्रह्म बसता। नंद बाबा के घर की जो दहली थी ना, प्राचीन घरों में दहली ऊंची होती थी। क्यों ऊंची होती थी? ताकि कोई सांप आदि, कोई कीड़ा करकट ऐसे आसानी से अंदर ना घुस जाए, इसलिए ऊंची बनाते थे। तो नारद जी क्या कह रहे, बोले मैंने ब्रह्म को कहां देखा? बोले ठाकुर जी को मैंने देखा, जिस प्रकार एक दहली पर एक बालक चढ़ जाता है, एक तरफ से तो चढ़ जाता है लेकिन दूसरी तरफ नीचे ही बहुत ज्यादा होती है तो बीच में ही लटक जाता है। अब सोच रहा है यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, ऐसे मैंने नंद भवन की, वृंदावन की उस दहली पर लदा हुआ पर ब्रह्म को देखा। यस्यालिंदे ब्रह्म बसता, ये किस लिए है? ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहार, हाँ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहार, अरे कौन पावे आखो पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहार, कौन पावे आखो पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, हाँ ठुम ठुम नाचे बरस मुँह पे, हाँ ठुम ठुम नाचे नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, नंदी बैल को सवार, बैल को सवार, हाँ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहार, कौन पावे आखो पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहार, कौन पावे आखो पार, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी।
इस प्रकार ठाकुर जी ने सकट भंजन किया और सकटासुर का वध किया। बंधुओं देखो, सकट किसे कहते हैं? बैलगाड़ी का पीछे का जो हिस्सा, गाड़ी जो होती है वो सकट होता है। आजकल थोड़ी मॉडिफाई हो गई तो चार टायरों की हो गई है, नहीं तो पहले दो ही टायरों की होती थी। सकट जो है ना, इस सकट भंजन लीला को भी समझिए, ये किस भाव से है। भगवान कहते हैं सकट जो है ये व्यक्ति का जीवन है, दाम्पत्य जीवन। सकट में दो पहिए होते हैं, एक पति और दूसरा पत्नी। अगर सकट का एक पहिया छोटा हो, दूसरा पहिया बड़ा हो तो कैसा चलेगा? टेढ़ा ही टेढ़ा चलेगा। ऊपर बैठने वाला जो है वो एक समय आने पर गिर भी सकता है। इसका मतलब क्या है? बोले दाम्पत्य जीवन का जो सकट होता है उसमें दोनों पति पत्नी जो है वो समान भाव से रहें, एक दूसरे को ज्यादा नीचा ऊंचा ना दिखाया करें, सम रहें। नहीं तो क्या होगा, उनके दाम्पत्य जीवन में जन्म लेने वाले, उनके दाम्पत्य जीवन रूपी सकट पर बैठे हुए जो बालक हैं छोटे छोटे उनके, या उनके माता पिता आदि हैं, वो उनको गिरने का भय हो सकता है, उनका परिवार ऊपर से गिर सकता है। इसलिए दोनों समान रहें। लेकिन एक बात, सकट चलता कब है? जब सकट के आगे बैल को बांध दिया जाता। और बैल किसे कहते हैं? हमारे धर्म में बैल का स्वरूप है, धर्म को ही बैल कहा जाता, वृषभ कहा जाता है। भगवान शिव का जो वाहन बैल है वो बैल हमको दिखाई देता। वास्तव में क्या है, भगवान धर्म को वाहन बना करके चलते हैं। वृषभ ही धर्म है। धर्म के चार चरण होते हैं, कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के चार चरण है। तो धर्म रूपी वृषभ जब हमारे सकट के आगे आएगा तभी हमारा सकट जो है, हमारा जो बैलगाड़ी है वो ढंग से चल पाएगी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं जिस सकट के आगे वृषभ नहीं होता, यानी कि धर्म नहीं होता, उस सकट को मैं पादप प्रहार से ध्वस्त कर देता हूं, उसको नष्ट कर देता हूं। इसलिए धर्म युक्त होकर के सकट यानी कि परिवार को, दो पहिए दो चक्के यानी कि पति पत्नी को, धर्म को आगे जोड़ करके उसके सहारे से चलना चाहिए, तभी वो सकट अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच पाता है। पूरा भाव समझे कि नहीं? पहला भाव तो भगवान ने यह समझाया कि दोनों समान रहो। दूसरा भाव भगवान ने यह समझाया कि अपने जीवन रूपी जो ये आपका बैलगाड़ी है इसके आगे धर्म को विराजमान करो। धर्म जो कहे, धर्म के चार ही चीजें करनी है, सत्य बोलो, दान करो, दया करो और चौथा पवित्र रहो। ये चार काम करने वाला धर्मावली माना जाता है। दोनों पति पत्नी इन चार कामों को करके यदि चलते हैं तो उनका सकट चलता है। और जिनके आगे धर्म नहीं होता, भगवान कैसे उसको बाद प्रहार से मैं तोड़ देता हूं। ये सकट भंजन लीला का मूल भाव है। मैया गोद में लेकर के ठाकुर जी को गई, घबरा गई, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर गई, अब सब सब फिर से ठाकुर जी को गौशाला लेके गए, फिर से झाड़ा आदि लगाया, फिर से ठाकुर जी स्वस्थ हो गए। अब ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हुए तो एक दिन मैया की गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रहे थे तो दूध पीते पीते तभी वहां पर तृणावर्त आ गया। और तृणावर्त के आते ही भंवर के रूप में, बवंडर के रूप में आया था। तृणावर्त के आते ही भगवान मन में समझ गए कि बोले तृणावर्त आया है, हमको उड़ाने के लिए आया है, और यदि यशोदा मैया की गोद में बैठे रहेंगे तो हम तो उड़ेंगे, संग में मैया को भी लेके उड़ेगा, और यदि मैया के सहित हमको उड़ा के ले गया तो फिर हम तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे, मैया के सामने कैसे अपना विकराल रूप धारण करेंगे।
ठाकुर जी बोले कुछ तो करना पड़ेगा कि मैया थोड़ी दूर जावे तभी हम सकट के संग जाएंगे। तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया कि मैया को लगने लगा कि लाला ने ज्यादा दूध पी लियो है और दूध पीवे के कारण बहुत भारी है गयो है। तो मैया ने ठाकुर जी को खुद से दूर करके पालने में सुला दिया और मैया स्वयं रसोई घर में चली गई। भगवान बोले हाँ अब आ जा। इतने में ही ऊपर से आकाश से उड़ता हुआ सकट आया। आंगन में पल्ले में भगवान सोए थे। भगवान को जैसे ही उड़ा करके ऊपर लेकर के गया, ऊपर जाते ही ठाकुर जी ने अपना बालपन छोड़ा और सकट का गला पकड़ा और पकड़ करके आकाश से ही नीचे जमीन पर पटक दिया और सक्तासुर का वध हो गया, ठाकुर जी की रक्षा हो गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, इतनी धूल आई ठाकुर जी को उड़ा के ले गई। सब दौड़ करके गए तो क्या देखा, एक एक छोटे से चबूतरे पर ठाकुर जी किल किल करके हंस रहे हैं, बैठे हैं, आनंद से पड़े भये हैं, कोई कष्ट नहीं। सक्तासुर का वध किया। अब ठाकुर जी की आयु हो गई 1 साल की। अब धीरे धीरे चलने लगे हैं और जैसे जैसे चलने लगे हैं तो मैया लाला को हाथ पकड़ करके उठाती है और जैसे ही ठाकुर जी खड़े होते हैं मैया थोड़ी देर में हाथ छोड़ देती है, दूर जाती है और दूर जाकर के लाला को बुलाती है। तो ठाकुर जी संभल करके अपने आप को चला करके आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे मैया की ओर जाते हैं थोड़ी दूर जाकर के तभी दम से गिर जाते हैं। ये लीला 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे थे और देख करके कह रहे हैं, बोले बताओ पूरे विश्व को चलाने वाला स्वयं चलना सीख रहा है। इस दृश्य को देखते ही कैलाश पर बैठे भोलेनाथ स्वयं को रोक नहीं पाए, मन में विचार करने लगे, बोले कि इतने सुंदर श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। अपने पूर्ण रूप में गले में सर्प पहने हैं, कानों में बिच्छू लटकाए हैं, बागंबर लपेटी है, हाथ में त्रिशूल डमरू आदि लेकर के त्रिपुंड लगाए नंदी पर बैठ करके सीधे महादेव पहुंचे हैं श्रीधाम वृंदावन की ओर। जगह जगह पूछते हुए जा रहे हैं कि भैया नंद भवन कहाँ है, यशोदा मैया का भवन कहाँ है। महादेव का रूप देख करके कोई तो घबरा जाए, कोई कहे भैया कोई बहुत बड़ा योगी तपी आया है, कोई बहुत बड़ा जोगी आया है। हमारे ब्रज में उसी भाव को बड़े भाव से गाया गया है। हो मैया तोरे द्वारे, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया, ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला
लिपटायो हा मैया शेषनाग लिपटायो मैया शेषनाग लिपटायो ओ पाको तिलक भालू में चंदा पाको तिलक भालू में चंदा पाको तिलक भालू में चंदा पाको तिलक आ, घर घर अलख जगायो मैया घर घर अलख जगायो ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगियायो बाला जोगियायो ओ मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला विश्वनाथ पहुंच गए नंदरानी के द्वार पर। इतने में गोपी गई बोले मैया एक बहुत बड़ा कोई बाबा आयो है। बाकू देख करके ऐसा लगे कि भैया नजर उजर उतारनो जानतो होगो। लाला की ऐसी नजर उतरवाले मैया की जीवन में कभी नजर ही नहीं लगेगी। मैया बोली अरे बहन तेने बड़ी कृपा करी जो ऐसे बाबा को पकड़ के लाई है, मैं तो अभी लेके जाऊं अपने लाला को। जैसे ही मैया ने अटारी से झांक करके देखो महाराज रूप कैसा ठाकुर जी का, कैसा रूप है भोलेनाथ का। अंग बहुत गले मुंड माला शेष नाग लिपटायो बांको तिलक भाल दे चंदा घर घर अलग अलात निरंजन। भोलेनाथ घर घर के आगे जाते हैं और ऐसे ही कह रहे हैं। मैया बोली तू बाबड़ी है गई है या के आगे अपने लाला को लेके जाऊंगी मैं। देख रही है कितने बड़े बड़े सांप गले में पहने बिच्छू कानन में लटके हैं, एक सांप से बागंबर अपनी लपेटी भई है। अरे लाला डर जाए वो या के सामने ना लेके जाऊंगी। बोले मैया द्वार पे कोई भिक्षुक आयो है, द्वार पे कोई महात्मा आयो, ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैया बोली मुंह पे दूसरा उपाय है। लाला सुला दिए पलना में और एक बढ़िया सुंदर थाली में खूब सारी सामग्री लेकर के भिक्षा लेकर के मैया देने के लिए जा रही है। बोले बाबा को ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी, ओ कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो ओ मैया, कंचन थाल सजायो ओ मैया, कंचन थाल सजायो। भिक्षा लेकर के यशोदा मैया द्वार पे आ गई, लेकिन भोलेनाथ उनको नहीं देख रहे। भोलेनाथ तो नजर उठा उठा करके पीछे देख रहे हैं, मेरे लाला कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। मैया बोली बाबा कहाँ देख रहे हो। बोले मैया हमने सुनो है तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला आयो है, हम तो वहां को दर्शन करवे आए हैं, बाकी नजर उतारवे आए हैं। मैया अपने लाला को लेके आओ, ऐसी नजर उतारेंगे कि जीवन में कोई कितना बड़ा तांत्रिक आ जाए तुम्हारे लाला पे कोई अला बला नहीं चढ़ेगी। हम साधारण नहीं है, कैलाश से आए हैं। बोले बाबा मैं भिक्षा लेके आई हूं, ये कम है का कंचन की थाल में लेके आई हूं, या को लेके चलते बनो बस आपको दर्शन ना कराऊंगी। ले भिक्षा चलो अब आगे, ले भिक्षा
चलो अब आगे। मेरो लाल है डरायो बाबा, मेरो लाल है डरायो बाबा। तुम कह रहे हो कि तुम दर्शन करवे आयो, मेरो लाला तो कहीं फोटून में भी सांप देख ले तो डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जाए। तुम्हारे तो गले में सांप बैठे हैं, कानन में बिच्छू टंगे भए, कैसे लेके आऊं। ओ मैया तोरे द्वारे, ओ यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया विश्वनाथ कह रहे हैं, मैया ऐसा मत करे, मुझको दर्शन से वंचित मत करे, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ मैया। मैया बोली, देख बाबा भिक्षा चाहिए तो ले ले, लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ कह रहे हैं, ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया। ओ तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर से आयो मैया तोरे द्वारे, बाला जोगियायो बाला जोगियायो मैया तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे, बाला जोगियायो बाला जोगियायो। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगियायो बाला जोगियायो। भिक्षा नहीं चाहिए मुझको, तुम्हारी कंचन माया नहीं चाहिए, तुम जितनी सामग्री ला रही हो मुझको ये सब नहीं चाहिए मैया, बस अपने लाला को दर्शन करा दे, मैं वही के काजे आया हूं और कछु ना चाहिए मुझको। मैया बोली, बाबा तुम बाल योगी हो, तुम हट योगी हो, लेकिन हम त्रिया हटी हैं, हमारे आगे ना चलेगी तुम्हारी। मैं भी आज देखूं तुम कैसे देख के जाओ मेरे लाला को। बहुत देर मिन्नत करते रहे, लेकिन जब विश्वनाथ को दर्शन नहीं कराए मैया ने, तो फिर बाबा बोले, मैया तेरो दोष लाए, जो पलना में बैठो ना भीतर, वही की इच्छा ना है मुझसे मिलवे की। ठीक है मैया, अब आनंद करो, लाला को मेरो यहीं से आशीर्वाद है, मैं जा रहा हूं। हाँ बाबा जाओ, भिक्षा ले जाओ। बोले, ना मैया भिक्षा रख, कोई और को दीजो, मैं तो जा रहा हूं। भिक्षा चाहिए तो केवल तेरे लाला के दर्शन की चाहिए और कछु ना चाहिए। भोलेनाथ चले गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान लगा करके, और भोलेनाथ रुदन करने लगे। इतने में ही श्याम सुंदर बोले, बाबा रो क्यों रहे? बोले, बात मत करो हमसे, बन के बिल्कुल जो है शहंशाह, बिल्कुल नंद बाबा के घर में जन्मे हो, खूब बड़े राजा हैं, तो राजा बन के भीतर बैठे हो, हम यहाँ जोगी के भेष में आए, इतनी दूर से चल के आए, यो नहीं दो मिनट बाहर आके हमसे मिल लो। देख लिए हमने आपकी, देख ली कितनी बड़ी आपकी शाहनशाही है,
चले जाएंगे थोड़ी देर में, मत दो अपना दर्शन। बाबा अब मैया के आगे मैं अपनी कैसे चलाऊं? बोले मैं योग हटी हूं, मैया त्रिया हटी है, तुम बाल हट करो। बाल हट की बात सुनते ही महाराज पलना में लेटे लेटे ठाकुर जी ने रोनो शुरू कियो। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोले भैया मैया बहुत जोर से रो रहा, लाला लाल पड़ गयो, आंखन से आंसू गिर रहे हैं, बहुत जोर से रो रहा, जल्दी चलो। मैया गई जाके लाला को कभी लोरी सुनावे, कभी हृदय से लगावे, खूब पुचकारे, कभी दूध पिवावे, कभी माखन मिश्री खवावे, कभी कछु दे, कभी तोता दिखावे, कभी कोई दिखावे, लेकिन ठाकुर जी को रोनो बंद नहीं होवे। एक घंटे दो घंटे तीन घंटे हो गए, शाम होने लगी, लेकिन लाल जी का रोना बंद नहीं। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया वहीं पे। बोले मैया कहा भयो? बोले सुबह ते रो रो है, शांति ना है रो। एक बूढ़ी बड़ी आई आकर के बोली मैया सुबह से कोई आयो हो का घर पे? बोले ना सुबह से कोई ना आयो। अरे एक हटीलो एक महात्मा आयो, ऐसे मोटे मोटे सरपन की माला गले में, कानन में बिच्छू लटका रखे, बागंबर लपेटे भय भस्म लगा रखी, बड़ो विचित्र सा स्वरूप वो आयो, बड़ी जिद कर रहा अपने लाला से मिलवा दो, लाला दिखा दो। मैंने तो डर के मारे लाला ना ये दिखायो। मैया बोली बस वही है बात, या की रोवे की चाबी वही के हाथ में है, जब तक वो बाबा नहीं आवेगो तब तक तेरो लाला शांत नहीं होगो, बुला के ला। एक गोपी से गई, तू चाह जाके वह बाबा को बुला के ला, ज्यादा दूर ना गयो होगो। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, तभी देखे वृक्ष के नीचे विश्वनाथ बैठे हैं, त्रिशूल लगा करके भस्म रमा करके बिल्कुल आनंद से बैठे। गोपी गई, बाबा प्रणाम। आयुष्मान भव, क्या बात है? बोले बाबा ने चलोगे हमारे संग? वो नंदरानी यशोदा के लाला को नजर लग गई है, गुजर लग गई है, रो रहो सुबह से, आपने चल करके, आपकी तो दर्शन की इच्छा ही ना, चलो बाकी नजर भी उतार दियो, दर्शन भी कर लियो। भोलेनाथ बोले मेरे पास समय नहीं है। अब यशोदा मैया से कह दो किसी और से नजर उतरवा लें उसकी, सुबह तो बड़ा डर रहा था बालक मेरे गले के सर्प से और कानों के बिच्छू से, अब कह रही है कि आप आकर के नजर उतारो। मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं, मैं जा रहा हूं वापस। चरणन में गिर गई, बोले बाबा आप चलो जो मांगोगे सो देंगे। बोले जो मांगूंगा सो मिलेगो? बोले हाँ। दर्शन मिलेगो लाला को? बोले हाँ दर्शन मिलेगो। छूबे को मिलेगो लाला? बोले बिल्कुल मिलेगो। अच्छा गोदी में मिल जाएगा मुकु? बोले दे देंगे आपको। बोले तो फिर हम चलेंगे महाराज। ओहो इतने में तो तांडव नृत्य करते हुए भोलेनाथ पहुंचे हैं यशोदा मैया के द्वारे। और श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कहा ओ पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, ओ संगी नाद बजायो मैया, संगी नाद बजायो आ मैया, संगी नाद बजायो मैया, संगी नाद बजायो। लाला पल्ला में सो रहे हैं, भोलेनाथ गए जाती जय हो अलग, निरंजन जाकर के जैसे प्रणाम किया, भोले बाबा के रूप को देख करके आंखों में मोटे मोटे आंसू और लाला चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, और ऊपर से भोलेनाथ उनका दर्शन कर रहे हैं। पांच बार परिक्रमा करके जैसे ही श्रृंगी बजाई है, किल किल करके ठाकुर जी हंसने लगे, दो दतुइयां दिखने लगी, पूरा ब्रजमंडल नृत्य करने लगा, ऐसा सुंदर भाव सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, ओ अपनो भाग जगायो, ओ भोले अपनो भाग जगायो, तोरे द्वारे बाला जोगियायो, बाला जोगियायो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगियायो।
अपनी जटा पे ही बिठा करके ठाकुर जी को भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं, पूरे ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं। सुबह से शाम है कि अब तो ब्रजवासी ने पकड़ लिए भोलेनाथ, बोले बाबा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तो तुम यहीं रहो। बोले मैया क्यों, यहां क्यों रहे? बोले जब जब मेरे लाला को नजर लगेगी तब तक आपको पकड़ के ले आया करूंगी, सो मेरे लाला की नजर उतर जाएगी। और अब तो महाराज ऐसा आनंद आयो, बोले बाबा के सरपंच से ही लाला खेल रहे हैं, बोले बाबा के बिच्छूनते ही लाला खेल रहे हैं, इतना आनंद प्रकट भयो। मैया की या बात को स्वीकार कियो ठाकुर जी ने, श्री भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने। और ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी के स्थान है, जहां जहां ठाकुर जी ने लीलाएं की, वहां वहां भोलेनाथ ने अपना स्वरूप विद्यमान किया। दो भाव से, पहली बात लाल जी लीला कर रहे हैं उस समय रक्षा के भाव से, दर्शन के भाव से, और दूसरी बात मैया ने तो वचन लिया था कि लाला को जब भी नजर लगे तो मेरे लाला की नजर उतार दे करियो। तो इन भावों से भोलेनाथ आज भी ब्रजमंडल में इतने मंदिर हैं शिव के, जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की सब जगह हैं। आशेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर हमारे ब्रजमंडल में विद्यमान है। तो भोलेनाथ दर्शन करने आए और दर्शन करके लाला को सुख प्रदान किया। भगवान एक वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ ठाकुर जी का। तभी सांडिल्य मुनि को जाकर के श्री नंद बाबा ने प्रार्थना की कि महाराज आप आकर के हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करो। सांडिल्य मुनि ने मनी मन विचार किया कि भैया हम मन से, अपने मन से विचार किया कि हम जानते हैं कि इनके जो दोनों बालक हैं वो इनके सगे तो हैं नहीं, वो देवकी और वसुदेव के हैं। अब देवकी वसुदेव के बालकों का नामकरण हम क्यों करें, उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन ये बात कह नहीं सकते नंद बाबा से। तो सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी से कहा कि देखो भैया, आपके यजमान के बालक हैं हमारे यजमान के घरों में, इसलिए आप ही जाकर के उनका नामकरण संस्कार करो। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज श्रीधाम वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के उन्होंने ठाकुर जी का नामकरण संस्कार वहां पर ठाकुर जी का पूर्ण किया। बड़ी मधुर, बड़ी सुंदर उसके भाव की कथा है। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयगुंतनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णतांगत। बोले मैया आपको ये बालक जो है का, ये पहले कभी श्वेत वर्ण का हुआ है, कभी रक्त वर्ण का हुआ है, कभी पीत वर्ण का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए हम इसका नाम कृष्ण रखते हैं। आपके इस बालक का नाम कृष्ण, इदानिम कृष्णताम गतः, ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बंधुओं, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो कृष्ण काले को कहते हैं, और काला भी नहीं कहेंगे, कृष्ण रंग कौन सा है? विश्व के जितने रंग हैं उन रंगों को यदि मिला दिया जाए तो जो रंग निकलेगा वो कृष्ण रंग है, वो ठाकुर जी का रंग है।
इदानिम कृष्णताम गत। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। कृष्ण शब्द का वास्तविक अर्थ क्रिस्तु भूवाचक है और ऋणस्तु निवृत्ति वाचक है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मानवों की निवृत्ति जिस नाम को गाने से हो जाती है वो है कृष्ण। ऐसे ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। बड़े भैया का नाम राम रखा।